आज का क्लास एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द करंट डेंसिटी इन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस आर कैपलर वेरीज विथ रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर एज J इक्वल टू J नॉट बाई आर स्क्वेयर इन टू आर स्क्वेयर फाइंड द नेट करंट थ्रू वायर। वायर के थ्रू करंट कितनी फ्लो कर रही है आपको ये फाइंड आउट करनी है। देखो करंट डेंसिटी अगर कॉन्स्टेंट होती तो फिर तो डायरेक्टली करंट डेंसिटी टू एरिया कर लेते हैं, बट अगर वेरिएबल है तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया कंसिडर करना पड़ेगा, उस एलिमेंटल एरिया के थ्रू कितनी करंट फ्लो कर रही है वो फाइंड करना पड़ेगा, एंड फिर आप फिर इंटीग्रेट करोगे। देखो कर रहा हूं, चेक करो। ये रेडियस आर, ये रेडियस डी आर, तो ये वाला जो एलिमेंट है इसकी अगर डीए लिखें तो डीए एरिया कितना है, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस है, एंड थिकनेस कितना है, डीआर है, राइट राइट यस यस सो ए की वैल्यू को हम कैसे लिखते हैं, डीआई बाय डीए लिखते हैं, लिखते हैं ना ऐसा, जब वेरिएबल करंट होती, वेरिएबल करंट डेंसिटी होती है तो डीआई की वैल्यू को जब आप लिखोगे तो डीआई इस छोटे से पतले से क्रॉस सेक्शन में जो आपका डीआई जा रहा होगा दैट विल बी जे इनटू डीए लिख लेंगे। अब J की वैल्यू आपको दे रखी है उसने J नॉट बाय कैपिटल R स्क्वायर इनटू स्मॉल R स्क्वायर, एंड इसके साथ आपको एरिया मल्टीप्लाई करनी है, एंड दैट बिकम्स 2 पाई R इनटू DR, एंड अब आपको टोटल करंट चाहिए तो आपको इसी को इंटीग्रेट कर लेना है, सो J नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू 2 पाई एंड इंटीग्रेशन ऑफ R टू द पावर 3 इनटू DR 0 से लेके R तक, तो R टू द पावर 4/4 हो जाएगा, सो दिस बिकम J नॉट इनटू 2 पाई इनटू R टू द पावर 4/4 and divided by r square, so this becomes pi j naught, yeah, aise likh lete hain, j naught into pi r square and divided by 2 aa jayega, ho gaya answer, clear hai? Yes sir. ठीक है, variable current density होगी तो integrate करके निकालना पड़ेगा, अगर constant current density है तो directly multiply कर लेंगे। Next देखिए, a uniform wire has a resistance of 24 ohms. It is bent to form a circular loop. It is bent to form a circular loop. Two points A and B on it subtend an angle of 90 degree at center. Find resistance across AB. बताओ इसका आंसर क्या है, जल्दी बताओ। सर 18 ओम पाई एल बाय 2 नहीं, आंसर तो ओम्स में आएगा सर, 18 ओम्स, 18 ओम्स आ रहा है, हाँ सर, देखते हैं, चेक करते हैं। अब इसको अगर रेजिस्टेंस आर वन की तरह देखें और इसको रेजिस्टेंस आर टू की तरह देखें तो रेजिस्टेंस तो प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगी, होगी नहीं होगी, यस सर,
तो इसका मतलब है ये R1 जो है that will be 1/4 of the total resistance, होगा नहीं होगा, right? Yes, yes sir. 90 degrees 1/4 of complete circle, so 1/4 of 24, that becomes 6 ohms. And R2 जो होगा that will be 3/4 of total resistance, which is 24, so this will be 18 ohms, right? So पक्का है R equivalent तो 18 से तो कम ही आएगा, आएगा ना 18 से कम? Yes. पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब 6 इन पैरेलल विद 18 है, सो दिस विल बी 6 इनटू 18 डिवाइडेड बाय 24, सो दिस इज 6 इनटू 4 एंड ये आ रहा है 4.5, 9/2, 4.5 ओम्स. ज्योतिष में तो आपका 18 कैसे आ रहा था? सर आई टुक दैट AB स्मॉल पार्ट टू बी R एंड दैट बिगर पार्ट टू बी 3R एंड देन आई कैलकुलेटेड एज पैरेलल. But I put the smaller value to be 24, which is like that was wrong. 4R equals to 24 हवे, हमें 8 तक के 24 लिखे. बाय, तो intelligent थी. हाँ, भूल करे पहले. और फिर बोलोगे कि सर ये सब क्या ये silly mistake हो जाता है मेरा. मतलब एक छोटा segment का एक छोटा segment का resistance निकाल रहे हो और उसको पुराना पूरा बड़े segment का resistance के value से substitute कर रहे हो. ये चीज़ है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. राइट एंगल्ड ट्रायंगुलर लूप, ट्रायंगुलर लूप, ओके लूप इज मेड फ्रॉम अ यूनिफॉर्म वायर एज शोन. Let's say this is A, B, C, and this is 37 degree. Find the ratio of resistances measured across AB, BC, and CA. Batao kya aayega? सर 8/3, 9/4, 35/12. नहीं. सर 27 ratio 32 ratio 35. शायद ये सही है. आपने क्या बोला था एक बार फिर से बोलिए महिमा, एक बार फिर से बोलिए आपने क्या बोला था? सर 8/3, 9/4, 35/12. 8/3, 9/4 and 35/12. 12. तो इसको अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8/4 = 32, 3 = 27 and 35. ठीक है आपका भी ठीक ही है, मतलब 32 = 27 = 35 ऐसा ही कुछ है आंसर से. देखते हैं एक बार चेक करते हैं. इतना तो पक्का है रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा, तो रेजिस्टेंस अगर प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा तो 37 के सामने तो 3, मतलब इसको हम 3R चूज कर सकते थे, इसे हम 4R चूज कर सकते थे और इसको 5R चूज कर सकते थे, कर सकते थे ना? यस सर. ठीक है. एंड अब अगर आप रेजिस्टेंस अक्रॉस AB इज टू रेजिस्टेंस अक्रॉस BC इज टू रेजिस्टेंस अक्रॉस CA निकालना चाहते हो, तो AB के अक्रॉस अगर आप देखोगे 3R इज इन पैरेलल विद 9R, है या नहीं है? फिर अगर आप BC के क्रॉस देखोगे, BC के क्रॉस, तो BC के क्रॉस देखोगे तो 4R is in parallel with 8R. फिर अगर आप CA के क्रॉस देखोगे तो 5R is in parallel with 7R. ये आ रही है ना? Yes sir. तो ये हो गई 9 × 3 = 27 by 10. So this is 27
27 r divided by 12 and is 2. This will be 4 into 8 is 32 r by 12 and for 5 r is 7. So 7 5 is 35 r divided by 12. So this becomes 27 is to 32 is to 35. 27 is to 32 is to 35 होएगा. आपका ये order उल्टा पुल्टा क्यों आ रहा है? Sir, वो 4R और 3R opposite ले लिया था मैंने. आपने opposite में ले लिया? Sir, मतलब BC को 3R और AB को 4R लिया था. आपको याद नहीं है 37 के सामने में 3 होता है? ये याद नहीं है? हाँ सर, वो गलती से हो गया. Sorry. चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं. इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. आपको कई बार एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दे देते हैं और उसका इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोलते हैं. तो दो केसेस में आपको मिलेगा ये, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो पहले सीरीज का दिखा देते हैं. तो सीरीज में आप आर इक्विवेलेंट जब लिखते हो तो आप कैसे लिखते हो उसको? आर वन प्लस आर टू लिखते हो. अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो उसको ऐसे लिखेंगे या आर इक्विवेलेंट डैश लिख लेते हैं. ठीक है, इसकी वैल्यू लिख लें तो ये लिखेंगे आर वन इंटू वन प्लस अल्फा वन इंटू डेल्टा थीटा एन प्लस आर टू इंटू वन प्लस अल्फा टू इंटू डेल्टा थीटा. एंड इधर से लिखोगे तो लिखोगे आप आर वन प्लस आर टू इंटू वन प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा थीटा. देखो तो यही लिखोगे ना, चेक करो एक बार, ये लिखोगे आप? यस सर. अब देखो ये आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू कैंसिल कर रहे ना, कर रहे कैंसिल. तो बचा क्या आपके पास? अल्फा इक्विवेलेंट देखो मिल गया है. सो अल्फा इक्विवेलेंट इज आर वन अल्फा वन प्लस आर टू अल्फा टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू. मतलब अगर दोनों सेम रेजिस्टेंस के होते तो अल्फा इक्विवेलेंट कितना होता? आर वन प्लस आर टू बाय टू, अल्फा वन प्लस अल्फा टू बाय टू आता ना. यस सर. ठीक है सर. ओके, अब पैरेलल में देखते हैं. पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी करें. यहाँ पे लिखेंगे आप 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. फिर से values को substitute करें तो आप लिखोगे तो 1 by R1 into 1 plus alpha 1 into delta theta and plus 1 by R2 into 1 plus alpha 2 into delta theta. एंड यहाँ पे लिखोगे तो आप लिखोगे 1 by R1 R2 divided by R1 plus R2 into 1 plus alpha equivalent into delta theta. देखो तो ये लिखोगे क्या? लिखोगे? Yes. ठीक है? इसी को rearrange कर लेते हैं. इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 by R1 R2 by R1 plus R2, इसको रहने देते हैं. और इसको binomial approximation use करके 1 plus x to the power n जो होता है उसको 1 plus nx लिख सकते हैं. तो इसको क्या मैं अगले स्टेप में ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस ऑफ अल्फा इक्विवेलेंट इनटू डेल्टा थीटा. न्यूमरेटर में लेके चले गए इसको, दिख रही है आपको? यस सर. 1 बाय आर वन एंड यहाँ पे हो जाएगी आपके पास 1 माइनस ऑफ अल्फा 1 इनटू डेल्टा थीटा एंड प्लस 1 बाय आर टू इनटू 1 माइनस ऑफ अल्फा 2 इनटू डेल्टा थीटा. गेटिंग इट? समझ आई सभी को? यस सर. फिर से आप देखोगे तो देखो ये वाला टर्म तो वैनिश कर जाएगा, ये 1 देखो ये वैनिश कर रहा है, दिख रहा है? बचा हमारे पास जो, उसको बस लिख लो. सो बच रही है हमारे पास R1 plus R2 divided by R1 R2 into alpha equivalent is alpha 1 by R1 plus alpha 2 by R2 and therefore alpha equivalent की वैल्यू आ गई आपके पास alpha 1 by R1 plus alpha 2 by R2 divided by 1 by R1 प्लस 1 बाई आर टू. ये आ गई है. इसको कई बार आप ऐसे भी याद रखते हैं अल्फा 1 आर टू प्लस अल्फा 2 आर 1 बाई आर 1 प्लस आर 2. बस इसमें देखोगे तो रिजल्ट जो है वो जस्ट उल्टा आ रहा है. उल्टाने का मतलब क्या है? उसमें अल्फा सीरीज में अल्फा 1 आर 1 प्लस अल्फा 2 आर 2 था
जबकि यहाँ पे क्या है, अल्फा वन के साथ आर टू मल्टीप्लाइड है और अल्फा टू के साथ आर वन मल्टीप्लाइड है, दिख रही है आपको? यस सर। ठीक है, तो इनको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद ही रख लीजिएगा, आसान है इतना रिजल्ट, डिफिकल्ट नहीं है। आर वन अल्फा वन प्लस आर टू अल्फा टू बाई आर वन प्लस आर टू सीरीज में, और पैरेलल में आर वन अल्फा टू एंड प्लस आर टू अल्फा वन एंड डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू का। ठीक है, चलो अभी आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज पे। हम यहाँ पे इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना सीखेंगे। बेसिक कंसेप्ट क्या यूज करेंगे हम इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड करने के लिए, फाइंडिंग इक्विवेलेंट ईएमएफ लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे, फाइंडिंग इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो कंसेप्ट क्या यूज करेंगे वो एक बार बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो कि आपके पास एक नेटवर्क ऑफ बैटरीज दी हुई है, ठीक है, और मैं उसको एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस करता हूँ, सिंगल बैटरी से रिप्लेस कर रहे हैं, इसको हम E इक्विवेलेंट कह रहे हैं और R इक्विवेलेंट कह रहे हैं। तो अगर सपोजली मैं इसको शॉर्ट सर्किट कर दूं, इमेजिन करो इस बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दें, तो शॉर्ट सर्किट करने से इसमें जो करंट फ्लो करेगी, ये करंट कितने फ्लो करनी चाहिए? E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट करनी चाहिए ना? करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? ठीक है, अगर आप बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देते हो तो उसमें करंट कितना फ्लो करता है? उसका ईएमएफ डिवाइडेड बाय उसका रेजिस्टेंस, यही तो फ्लो करता है ना? यस सर। व्हेन हम कांसेप्ट यही यूज करेंगे, व्हेन टर्मिनल्स ऑफ बैटरी आर शॉर्ट सर्किटेड, शॉर्ट सर्किटेड देन करंट थ्रू इट इज ईएमएफ बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे कर रहे हैं, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में भी दो केसेस हैं राधा, एक को मैं कहता हूं सपोर्टिंग मोड, ये मेरे नोमेनक्लेचर्स हैं, ऐसे आपको बुक्स में नहीं दिखेंगे, ये मैं समझने के लिए आपको समझाने के लिए ये टर्म यूज कर रहा हूँ। एक है सपोर्टिंग मोड और दूसरा है ऑपोजिंग मोड। पहले सपोर्टिंग मोड पे आते हैं। सपोर्टिंग मोड का मतलब है कि दोनों बैटरीज जो हैं वो करंट सेंड करने की जब कोशिश करेंगे तो एक ही डायरेक्शन में सेंड करने की कोशिश करेंगे, तब उसको बोलेंगे कि सपोर्टिंग मोड है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे ये सर्किट देखो दिखा रखा है मैंने, आप खुद ही सोच के देखो, इसमें ये ईएमएफ E1 का है मान लेते हैं, रेजिस्टेंस R1 का है, ये ईएमएफ E2 का है, रेजिस्टेंस R2 का है। आप खुद ही सोचो कि अगर मैं इसको शॉर्ट सर्किट कर दूं तो दोनों करंट एक ही डायरेक्शन में सेंड करने की कोशिश करेंगे या अलग डायरेक्शन में? देखो इसमें ये इस डायरेक्शन में सेंड करने की कोशिश करेगा, ये भी इसी डायरेक्शन में, दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है, तो बस एक एरो मार्क ऐसे दिखा दूं ताकि आपको पता चल जाए कि दोनों की सेम डायरेक्शन है या अलग है। तो इसमें जो करंट आएगा, खुद ही सोच के देखो ये कितना आएगा, इसमें जो करंट आएगा दैट करंट विल बी E1 plus E2 by R1 plus R2, नहीं E1 by R1 plus E2 by R2 थोड़ी आएगा। अरे कैसे कर रहे हो E1 by R1 plus E2 by R2? ओ सर ना ना, हां सर E1 plus E2 by R1 plus R2 आएगा। तो इस केस में आपका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ हो गया वो कितना हो जाएगा आपका? E1 plus E2 एंड R इक्विवेलेंट जो होगा दैट विल बी R1 plus R2 हो जाएगा। अब दूसरा है ऑपोजिंग मोड की बात करें, ऑपोजिंग मोड में उल्टा होगा, मतलब एक जिस तरफ करंट सेंड करने की कोशिश करेगा दूसरा उसके उल्टे डायरेक्शन में करेगा, और ऑब्वियसली कोई एक सक्सेसफुल होगा जिसकी ईएमएफ बड़ी हो जाएगी। यह है E1 एंड R1, यह है E2 एंड R2। फिर से सेम कंसेप्ट, हमने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट, बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, कॉम्बिनेशन को
और ये मेजर कर लेते हैं यहाँ से, ये इधर करंट सेंड करने की कोशिश कर रही है इधर, मान लेते हैं करंट हमें एंटी क्लॉकवाइज ही मिल रही है, तो बड़े ईएमएफ का कौन हुआ, कौन हुआ ईएमएफ वाला, ई1 वाला, ई1, तो ई1 माइनस ई2 एंड डिवाइड बाय आर1 प्लस आर2 हो जाएगा। तो इसके लिए इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालोगे आप, तो क्या लिखोगे आप, ई1 माइनस ई2 है एंड आर इक्विवेलेंट लिखोगे तो आर1 प्लस आर2 हो जाएगा। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ईएमएफ जो है वो एलजेब्रिकली ऐड हो जाएगी, ईएमएफ एलजेब्रिकली ऐड होगी, दोनों ऐड भी हो सकती है सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। अगर दोनों सिमिलर डायरेक्शन में करंट सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर उस केस में आपका करंट ईएमएफ ऐड अप होगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यस सर। सेकंड वाला जो केस है, उसमें फर्स्ट बैटरी के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम आएगा, जबकि सेकंड वाले के लिए टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा आएगा। सही कह रहा हूं या गलत? फर्स्ट बैटरी के लिए टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम आएगा और सेकंड बैटरी के लिए टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा आएगा। अरे जवाब तो दो। चार्जिंग वाला केस है और डिस्चार्जिंग है ना, एक तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो है ई1 वाले के लिए और ई2 वाले के लिए तो कन्वेंशन के ऑपोजिट है ना, है ना? ठीक है, तो इसीलिए एक में E1 वाला बैटरी में टर्मिनल वोल्टेज अगर आपको निकालना है तो E1 माइनस IR करना है और E2 वाले बैटरी में निकालना है तो E2 प्लस IR करना है, है ना? ठीक है, ठीक है, बट जबकि सपोर्टिंग मोड में अगर देखोगे तो दोनों में ही EMF माइनस IR करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि दोनों के लिए सेम डायरेक्शन में करंट। ठीक है, चलो ये हो गई सीरीज कॉम्बिनेशन, अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। ये मान लेते हैं EMF E1 resistance R1, ये EMF E2 resistance R2, एंड मान लेते हैं इन टर्मिनल्स के अक्रॉस हमें EMF निकालना है, तो फिर से सेम कॉन्सेप्ट है, आपको यहाँ पे इसको शॉर्ट सर्किट कर दो, तो इंडिविजुअली इस बार इंडिविजुअली दोनों बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज जीरो है ना, है नहीं है? Yes, sir. और टर्मिनल वोल्टेज जीरो होने का मतलब यहाँ पे जो करंट जाएगी I1 दैट विल बी EMF E1 बाय R1 और यहाँ पे जो करंट जाएगी I2 दैट विल बी EMF E2 बाय R2 और ये दोनों करंट मिलके यहाँ पे चला जाएगा एंड दैट करंट विल बी E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। ये आ रही है ना? राइट, यस सर। और इसमें अगर टर्मिनल्स के क्रॉस अगर R इक्विवेलेंट पूछे, R इक्विवेलेंट तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ही तो है ना? यस सर। R1 इज इन पैरेलल विद R2 एंड R1 R2 अगर पैरेलल है तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, देखो आई निकालने का तरीका क्या था आपको याद है, जब हम आई लिख रहे थे तो ये क्या लिख रहे थे, ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट लिख रहे थे या नहीं? यस सर। तो ये आई देखो आप निकाल चुके हो ना, निकाल चुके हैं नहीं, ई1 बाय R1 प्लस ई2 बाय R2 यही है ना? हां, दैट शुड बी इक्वल टू ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R1 प्लस सॉरी R1 इन पैरेलल विद R2 यही है ना? सर यस सर। Getting it? Yes. तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? देखो तो E equivalent becomes E1 by R1 plus E2 by R2 and divided by 1 by R1 plus 1 by R2. देखो आ रही है क्या? Yes sir. Yes sir. ठीक है, तो ये एक standard result हो गई, आपको ध्यान रखनी है। अब इससे एक interesting चीज़ ये दिखेगा, देखो अगर मान लो इन दोनों की EMF सेम होती है, लेट अस से इन दोनों की EMF सेम है, अगर EMF सेम है रेजिस्टेंस अलग अलग है तो EMF को तो कॉमन आउट कर सकते हैं ना फाइनल एक्सप्रेशन से, देखो। यस सर। और 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 तो कट जाएगा। यस सर। इसका मतलब अगर दोनों बैटरी के EMF सेम होते, रेजिस्टेंस भले ही अलग हो, रेजिस्टेंस भले ही अलग हो, EMF सेम होते तो इक्विवेलेंट EMF भी क्या रहता, सेम होता। मतलब जैसे एक 10 वोल्ट का है, एक 10 वोल्ट 5 ओम्स का है और एक 10 वोल्ट 2 ओम्स का है, तो दोनों का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो 10 वोल्ट ही होगा। समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। ठीक है,
बट रेजिस्टेंस आप पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करके निकाल लेंगे. ठीक है, तो इसको मैं मेंशन कर दे रहा हूं, पहली चीज यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं. इफ e1 इज इक्वल टू e2 इज इक्वल टू e, देन e इक्विवेलेंट विल बी e. ठीक है, ये चेंज नहीं करेगा, ये पहली चीज ध्यान रखनी है. दूसरी चीज इसमें देखो, मैंने जो बैटरीज कनेक्ट किया, देखो वो ऐसा कनेक्ट, इसमें देखो बैटरीज ऐसे कनेक्ट किया है कि दोनों ही बैटरीज सेम डायरेक्शन में करंट सेंड कर रहे हैं, सर्किट में सेम डायरेक्शन में सेंड कर रहे हैं. दिख रहा है आपको? Yes, sir. है ना, दोनों ही देखो एंटी क्लॉकवाइज सेंड कर रहे हैं, बट किसी एक बैटरी का पोलैरिटी को अगर उल्टा कर दें, किसी एक बैटरी का पोलैरिटी को उल्टा कर दें, तो अब वो तो करंट उल्टा डायरेक्शन में सेंड करता है. Yes, sir. Yes, sir. और अगर करंट उल्टे डायरेक्शन में सेंड करता तो उस केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ जब निकालते तो फिर उल्टा करके ही निकालते ना, समझ आ रही है? माइनस करके निकालते. तो इफ ऑपोजिट पोलैरिटी वे कनेक्टेड टुगेदर, ऐसे कर लेते हैं, इफ पोलैरिटी ऑफ वन ऑफ द बैटरी इज रिवर्स्ड देन e equivalent would be e1 by r1 minus e2 by r2 divided by 1 by r1 plus 1 by r2. इसमें अब देखो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है ना, कि क्या सिर्फ ईएमएफ पे डिपेंडेंट है या ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट है? देखो आप एक बार चेक करो, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस. दिख रही है सबको? तो जैसे सीरीज में तो हम तुरंत देख के बता दे रहे थे, जिसका ईएमएफ बड़ा होगा वही डिसाइड करेगा, बट यहाँ पे सिर्फ ईएमएफ देख के डिसाइड नहीं कर सकते, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस देख के आपको डिसाइड करना पड़ेगा. समझ आ रही है? अगर सपोजली E2 वाला बड़ा हो गया, जैसे हमने इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या पता चल रहा है, हमने किसको रिवर्स किया है, E1 वाले को या E2 वाले को? E2 वाले को, क्योंकि हमने E2 के जगह पे नेगेटिव डाला है. तो हमारा जो सर्किट है वो ऐसा ही है, हमने जो सर्किट चूज किया वो कुछ ऐसा चूज किया है, हमने E1 वाले को इधर ऐसा ही रहने दिया है और E2 वाले को रिवर्स किया है. ये है E1 R1 एंड ये है E2 एंड R2. तो इसकी वजह से ये करंट सेंड करने की एबिलिटी रखता है इस तरफ और ये करंट सेंड करने की एबिलिटी रखता है इस तरफ, तो दोनों का डायरेक्शन उल्टा हो गया ना. समझ आ रही है? Yes, sir. एंड आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों की एबिलिटी जो है वो नेट हमने किसका चूज किया है, E1 बाय R1 का चूज किया है ना. दिख रही है आपको? Yes. तो इसीलिए हमारे अकॉर्डिंग जो हमने सिलेक्शन किया है वो ध्यान रखना कि किस तरह से सिलेक्शन कर रहे हैं, मतलब क्योंकि पोलैरिटी भी इंपॉर्टेंट होती है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए. तो हमने जो चूज किया है, हमने ऐसा चूज किया, दिस इज इक्विवेलेंट टू ये वाला. देखो तो हमने सही दिखाया, क्या दिखाया? सही नहीं? क्योंकि हमने E1 वाले का डोमिनेंट माना है ना बिहेवियर, E1 बाय R1 माइनस E2 बाय R2 किया है, तो लेफ्ट साइड पे ही तो हमारा हायर पोटेंशियल होना चाहिए था ना. होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यस सर. ठीक है, अगर उल्टा होता, मतलब सपोजली तुमने गलत कर दिया है, बट मैथमेटिकल इक्वेशन तुमने लिख लिया है, तो मैथमेटिकल इक्वेशन लिखने के बाद फिर क्या था, नेगेटिव आ जाता. यस सर. और नेगेटिव अगर आया, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे चॉइस में एक नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि उल्टा करना है ना पोलैरिटी. ठीक है, समझ आ रही सभी को? यस सर. ठीक है, अब मान लेते हैं केस 3 पे. ये तो केस 2 हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब केस 3 पे आ जाते हैं, ग्रिड ऑफ बैटरीज है मान लो. आइडेंटिकल बैटरीज है, आइडेंटिकल ऑफ ईएमएफ ई एंड रेजिस्टेंस आर. ग्रिड मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों ही होंगे यहाँ पे, ये कुछ ऐसा होगा.
ये मान लो एक ग्रिड ऑफ बैटरीज हमने दिखा रखा है, सबकी ईएमएफ ई है और सबका रेजिस्टेंस आर दिखा रखा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ऐसे हमने सीरीज में जो ले रखे हैं, सीरीज में जो बैटरीज ले रखे हैं, ये मान लो एन बैटरीज है यहाँ पे, एंड ये जो पैरेलल में ब्रांचेस हैं, ये एम ब्रांचेस हैं। तो एक सीरीज ब्रांच का, एक सीरीज वाला जो ब्रांच है उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा, एनी हो गई, नहीं होगा? यस सर। एंड पैरेलल में अगर एक सारे पैरेलल में है, सबका ईएमएफ तो सेम ही है, हाँ। है ना, तो पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या ईएमएफ चेंज होगी? नो नहीं। तो इसकी इक्विवेलेंट ईएमएफ लिखे तो कितनी आएगी, एन ई ही आएगी ना, आएगी। बट आर इक्विवेलेंट निकाले तो सीरीज के लिए तो एन आर हो जाएगा, बट पैरेलल में आपने एम ब्रांचेस ले रखे हैं तो एन आर बाई एम आ जाएगा, आएगा। समझ आई सभी को? यस सर। ठीक है, चलो वैसे वही सर, मैं छोटे छोटे आपको एप्लीकेशन सिखाता हूँ। देखिए आपको समझ आ रही है नहीं, वी हैव 100 आइडेंटिकल बैटरीज ऑफ ईएमएफ ई एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज to form a closed loop. We have 100 identical batteries of EMF E and resistance R connected in series to form a closed loop. Find the terminal voltage measured across the series combination of 17 such batteries in loop. बताइए क्या आंसर आएगी? जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। क्योंकि I loop is equal to 100 EMF by 100 R. So I is equal to EMF by R and we know according to the graph that when I is equal to EMF by R then V terminal is equal to zero. ठीक है, तो ये तो एक के लिए, ये तो एक के लिए। फिर सर जितना भी मतलब एनी नंबर मतलब जो भी नंबर होगा बैटरीज के लिए उसका तो टर्मिनल वोल्टेज Across each zero ही होगा। सही है, सही कह रहे हैं। ये देखो मान लेते हैं कि ये वाले जो नंबर ऑफ बैटरीज हैं, ये हमारे पास 17 है और ऊपर में जो दिखा रखे हैं ब्रांचेस में सेमी लूप में, ये आपके पास हो गए 83, यही हो गए ना? Yes, सबको उल्टा कनेक्ट किया है या सबको एक ही तरफ कनेक्ट किया? देखो तो सबका उल्टा एक ही तरफ, एक ही तरफ कनेक्ट किया है, सबका एक ही तरफ कनेक्टेड है। देखो सारे ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट सेंड करने की एबिलिटी रखते हैं, दिख रहा है आपको? सो इस केस में अगर आप देखोगे तो करंट अगर हम इसमें फाइंड करते हैं, इस पूरे लूप में अगर करंट फाइंड करोगे आप, ये ऐसे एक लूप दिखा दे रहे हैं यहाँ पे और इसमें करंट आई दिखा दे रहे हैं, तो करंट अगर निकालोगे तो ईएमएफ ऑफ लूप एंड डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ लूप, यही तो करोगे ना? करोगे? ईएमएफ ऑफ लूप कितना है? 100 ई, क्योंकि सारा सीरीज कॉम्बिनेशन है, एंड रेजिस्टेंस कितना है? 100 आर, क्योंकि सारा सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो कितना आ गया? ई बाय आर। एंड अगर करंट ई बाय आर फ्लो कर रहा है और कन्वेंशनल डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है हर एक बैटरी के लिए, तो टर्मिनल वोल्टेज हर एक के लिए कितनी आएगी? जीरो आएगी, नहीं? ई माइनस आई आर ही तो करेंगे ना, राइट? जीरो फॉर ईच ऑफ देम, मतलब हर एक किसी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो
तो हर एक किसी के लिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, मतलब फर्स्ट के अक्रॉस मेजर करो तो भी जीरो, सेकंड के अक्रॉस मेजर करो तो भी जीरो, तो फर्स्ट एंड सेकंड के अक्रॉस मेजर करोगे तो भी जीरो रहेगा, होगा नहीं होगा? तो देयरफॉर किसी भी दो टर्मिनल के अक्रॉस मेजर करो, आंसर सेम आएगा, जीरो आएगा. सो देयरफॉर टर्मिनल वोल्टेज इज जीरो अक्रॉस एवरी टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एवरी टू टर्मिनल्स इन द लूप. समझ आई सभी को? ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट ट्राई करते हैं. वी हैव एन आइडेंटिकल बैटरीज ऑफ ई कॉमा आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ लूप. It was found that M of them were connected in opposite polarity. And given है N greater than 2 mm. ठीक है, ये given है. अब उसने क्या रखा है, फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज मेजर्ड अक्रॉस ईच ऑफ द बैटरीज. देखो क्या आंसर आ रहा है. सर ये मतलब लंबा आंसर आ रहा है. लंबा आंसर आ रहा है. अच्छा ठीक है. टर्म्स ऑफ एनएम. हाँ सर. ठीक है, एक बार देख लीजिए, आंसर मैच कर लीजिए. एक ही आंसर आ रहा है, दो आंसर आ रहा है? सर एक ही आएगा ना. एक ही आएगा सर, क्योंकि पहले तो EMFs निकाले वो NE minus ME by NR करके, उसके बाद टर्मिनल वोल्टेज E minus IR. अच्छा, E का वैल्यू यहां से डाल के. देखो अभी आप फिर सॉरी बोलने वाले हो, देखना देखना अभी आप कैसे सॉरी बोलोगे. देखो ये मान लेते हैं ये एम सेल्स है, तो बचे कितने हमारे पास, एन माइनस एम सेल्स बचे. यस सर. तो इस पार्ट का इक्विवेलेंट ईएमएफ, मतलब दोनों पार्ट का अगर इक्विवेलेंट ईएमएफ अलग अलग लिखा जाए, तो जो लेफ्ट साइड में मैंने दिखा रखा है उसके लिए कितना हो जाएगा, एन माइनस एम ई, और राइट साइड में जो दिखा रखा है वो एम ई का है, राइट. तो ईएमएफ ऑफ लूप अगर निकालते, मतलब लूप के लिए ईएमएफ अगर कैलकुलेट करते जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है, तो क्या लिखते हैं, n minus ME minus of ME. minus क्यों, क्योंकि कोई opposing mode है ना. yes sir. yes sir. तो कितनी आ रही है ये, n minus 2m into E. महिमा आपने कितना बोला था, n minus ME बोला था क्या? हाँ सर, वो total मतलब ये, sorry sir, sir n minus m नहीं लिए थे, वो पूरा n ले लिए थे. हाँ, और ये क्यों किया, क्योंकि diagram नहीं बनाया आपने.
तो इससे क्या सीखा आपने, डायग्राम बनाएंगे, है ना? यस सर. सो n माइनस m, n माइनस m e इक्विवेलेंट ईएमएफ नहीं है, n माइनस 2m इनटू e इक्विवेलेंट ईएमएफ है, बट रेजिस्टेंस ऑफ लूप तो nr ही है ना? यस सर. राइट. तो अब अगर करंट इसमें फाइंड आउट करें, ये करंट अगर हम इसमें फाइंड करते हैं तो ये करंट की वैल्यू कितनी लिखेंगे, ईएमएफ ऑफ लूप डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ लूप, एंड ये वैल्यू आ रही है n माइनस 2m इनटू e डिवाइडेड बाय nr. ओके, अब अगली चीज, जब हम टर्मिनल वोल्टेज मेजर करेंगे तो ये n माइनस 2m वाला जो बैटरी है इसमें हर एक के क्रॉस सेम आएगा, क्योंकि इन सब में कन्वेंशनल फ्लो है ही नहीं है. यस सर. बट अगर बाकी m सेल्स जो है उनके लिए क्या कन्वेंशनल फ्लो है? नहीं, उनके लिए तो ऑपोजिट कन्वेंशन है. इसका मतलब है टर्मिनल वोल्टेज आपके दो आएंगे, टर्मिनल वोल्टेज आपके लिए दो आएंगे, एक होगा e माइनस आई आर, दिस विल बी e माइनस ऑफ आई आर, ये किसके लिए होगा, दिस विल बी फॉर n माइनस m सेल्स के लिए. ये n माइनस m सेल्स है, या ऐसे लिख लें फॉर ईच ऑफ n माइनस m सेल्स, ईच ऑफ n माइनस m सेल्स. और जो बाकी जो बचे सेल है उनके लिए क्या होगा, e प्लस आई आर होगा, दिस विल बी फॉर m सेल्स, ईच ऑफ m सेल्स. महिमा सॉरी नहीं बोलेंगे? सॉरी सर. आप इतनी जल्दी जल्दी सॉरी बोलते हैं, कुछ सीखते भी हैं अपनी बातों से? हाँ सर. जब दो अलग अलग पोलैरिटी में कनेक्टेड है तो टर्मिनल वोल्टेज का एक ही ऑप्शन होता. हाँ क्या? नहीं सर, वो आएगा सर. मुझे लग रहा था कि एक e प्लस आई आर और एक e माइनस आई आर होगा, बट फिर भी आंसर गलत ही होता क्योंकि मैंने तो स्टार्टिंग में ही गलती किया था. नहीं, वो तो एक अलग बात है, बट एक मतलब आप एक ही क्वेश्चन में तीन चार गलतियां करें ये तो कला है ना, एक अलग. हाँ, एक क्वेश्चन में एक गलती करें चलो ठीक है, एक क्वेश्चन में दो तीन गलतियां करें, तीन चार गलतियां करें, तो ये तो कला है, एक टैलेंट है ना. नहीं सॉरी सर. चुटी गई. हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं सर? जो नेट n माइनस 2m निकाले थे, जो ईएमएफ ऑफ लूप है, उसका तो डायरेक्शन एक ही तरफ है ना? हाँ, वो तो सारा एंटी क्लॉकवाइज दिखाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज तो करंट दिखाया मैंने, देखो. हाँ सर, इसीलिए तो e माइनस आई आर किया उन सब बैटरी के लिए, n माइनस m के लिए, और बाकी m के लिए e प्लस आई आर किया. अच्छा, एक और ट्राई करते हैं, इस बार आप ट्राई करो, गलती नहीं करना. ये मान लो 10 वोल्ट 1 ओम्स का है, और ये मान लो 10 वोल्ट 0.5 ओम्स का है, और ये मान लो आर है, और उसने कह रखा है इसको फर्स्ट बैटरी मान लो, इसको सेकंड बैटरी मान रहा है. टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस 2 इज 0, फाइंड आर. बताओ, ये आसान क्वेश्चन है, जल्दी करो, देखो क्या रही है. इतना टाइम क्यों लग रहा है? करंट की वैल्यू इक्विवेलेंट ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस ऑफ लूप लिखेंगे, रेजिस्टेंस
इक्विलिब्रियम कितना है 10 प्लस 10 20 हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ लूप कितना हो गया 1 प्लस 0.5 एन प्लस आर, यही आएगा ना, आएगा यस सर। और ये वाली वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू होनी की चाहिए कितनी 10 डिवाइड बाय 0.5 होनी चाहिए, यस सर राइट। तभी याद है आपको 10 बाय 0.5 क्यों किया, क्योंकि अगर एक बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज अगर जीरो है, इसका मतलब उसमें जो करंट होगा वो कितना होगा, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस होगा ना उसका, राइट यस सर। अब ये वाली वैल्यू क्या कभी भी आ सकती है या नहीं आ सकती है, अब देखो एक बार कैलकुलेशन चेक करते हैं, ये यहां से कैंसिल आउट हो गया, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रही है सर, अगर आर देखोगे तो नेगेटिव ऑफ 0.5 आ रही है, इसका मतलब नॉट पॉसिबल है ना, है ना, Yes, sir. That's it. इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसका टर्मिनल वोल्टेज आपका क्या है, जीरो आ जाए। अब ये क्यों हुआ, एक बार थोड़ा लॉजिकली सोच के देखो, फर्स्ट वाले बैटरी में जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 1 ओम्स का है, सेकंड वाले बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम्स का है, उसने सेकंड वाले के लिए बोल रखा है कि मुझे यू नो टर्मिनल वोल्टेज जीरो चाहिए, तो एक चीज पक्का है करंट मुझे 10 बाई 0.5 का चाहिए, है ना, राइट right? Yes, sir. अब दूसरा बैटरी भी उसने 10 वोल्ट का तो दिया है, बट उसका रेजिस्टेंस अगर 0.5 से कम होता तब फिर आपका रेजिस्टेंस आर जो है एक नॉन जीरो वैल्यू आता, क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस 0.5 से ज्यादा है, देखो रेजिस्टेंस 1 ओम का मतलब 0.5 से ज्यादा है ना, इसका मतलब है कि ये बैटरी के आने की वजह से, मतलब 1 वाला जो बैटरी है उसके सिर्फ आने की वजह से ही करंट अब 10 डिवाइडेड बाय 0.5 से तो पक्का ही कम आएगा, है या नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो आपने बढ़ा दिया, हाँ समझ आ रही है, अगर आर नहीं भी होता ना तो भी पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि रेजिस्टेंस तो आपकी अगर एक 0.5 की अगर दूसरी भी 0.5 की होती तब आपका 10 बाय 0.5 का करंट आता, है ना, यस सर, बट यहां पे तो ऑलरेडी उसने 1 ओम्स दे दिया, इसका मतलब उसके अकेले आने की वजह से ही तो मतलब करंट ऑलरेडी डिक्रीज कर चुका है, तो बाकी तो आर आने का कोई सवाल ही नहीं था, समझ आया सबको, एंड इन केस जो चीज मैंने बोला एनालिटिकली बोला है, अगर बाकी आपको नहीं समझ आ रहा तो मैथमेटिकली कैलकुलेट करो, और वैल्यू अगर नेगेटिव आ गया समझ जाना कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, this is 15 volt, this is 2 ohms, this is 20 volt, this is 2 ohms, this is 1 ohms, this is 20 volt, this is 1 ohms, this is 10 volt, this is 2 ohms and this is 5 volt. ये वाली end circuit किसने ground कर दिया, एक end को लिया and then ground कर दिया, एंड दूसरा डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे इसको P मार्क कर रखा है और उसने पूछा है पोटेंशियल एट पॉइंट P ये कितनी होगी, आप फाइंड करो, ठीक है, ग्राउंड करने से जस्ट ओनली थिंग हैपेंस इज कि वो वाली पॉइंट की पोटेंशियल कितनी होगी, जीरो होगी बस, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल आपने जीरो ले रखा है, बट है तो ये सिंगल लूप सर्किट है ना, लूप कितने हैं सर्किट में, एक ही है ना, अगर एक लूप है तो आराम से हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस निकाल के हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं,
पहले इक्विवेलेंट ईएमएफ के लिए आप पहले यू नो बैटरीज के पोलैरिटी को आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में मार्क कर लो. एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है आपको, ठीक है? Yes, sir. तो अगर ईएमएफ ऑफ लूप निकालते तो क्या लिखते हम, 15 एंटी क्लॉकवाइज प्लस 5 क्लॉकवाइज प्लस 10 एंटी क्लॉकवाइज प्लस 20 क्लॉकवाइज प्लस 20 एंटी क्लॉकवाइज, यही है ना? देखो चेक करो एक बार, ठीक है? ये 20 एंटी क्लॉकवाइज 20 क्लॉकवाइज ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बच रहा है हमारे पास 15 एंड 10 25 20 20 एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, दिख रही है आपको? दिख रही है? यस सर. यस यस सर. ठीक है, तो 20 एंटी क्लॉकवाइज आ गया. एंड रेजिस्टेंस ऑफ लूप कितनी है एक बार ये मेजर कर ले, सारे सीरीज में ही है. तो 2 प्लस 2 4, 4 और 2 6, 1 7 और 1 8, ये आ रही है ना? अच्छा एक काम करते हैं, इसको वैल्यू थोड़ा चेंज कर देते हैं, काम करते हैं, वैल्यू अच्छी आ जाएगी, नहीं तो कैलकुलेशन गंदा दिखेगा. ये साइड वाले रेजिस्टेंस को आप 4 ओम्स कर लीजिए, ठीक है? जो लेफ्ट साइड में ब्रांच दिया है उसमें 4 ओम्स कर लीजिए. अब रेजिस्टेंस कितनी आ रही है, 4 4 8 2 10, ठीक है ना? दिख रही है आपको? यस सर. ये दिस इज 10 ओम्स एंड देयरफॉर करंट कितनी फ्लो करेगी, सो व्हाट इज द करंट थ्रू द लूप, लूप में करंट कितना है, 20 divided by 10 which is 2 ampere anti-clockwise. ये है ना, 2 ampere anti-clockwise flow करेगा, ठीक है? तो अब इस डायग्राम में आप उसको दिखा दो, ये मैंने इस डायरेक्शन में करंट दिखा दिया, दिस इज 2 ampere. अब आपको ये पता है ना कि जिस अगर आप देखो जहां पे ग्राउंड कर रखा उसको मैंने जीरो मार्क कर लिया, ठीक है? अब आप नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करो, नीचे से ऊपर, और जहां जहां पे आपको रेजिस्टेंस मिले उसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, IR का निकालेंगे, और बैटरी मिले तो EMF का प्लस माइनस करेंगे, ठीक है? पहले 4 ओम्स के क्रॉस जा रहे हैं, सो 4 ओम्स में करंट जिस तरफ फ्लो कर रहा है वो नीचे फ्लो कर रहा है ना, राइट? एंड यू आर मूविंग अगेंस्ट करंट, यू आर मूविंग अगेंस्ट करंट, सो व्हेन यू मूव अगेंस्ट करंट यू गेट अ राइज और ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल. राइज, राइज कितने का राइज मिलेगा, IR का 8 का राइज मिलेगा. तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए आपको, 0 प्लस 8, समझ आ रही है? जीरो भी लिखा है मैंने ताकि आपको ध्यान रहे कि सिर्फ आईआर नहीं लिख रहे हैं, एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको लेना है, ठीक है? तो इस केस में ये कितना हो गया, 8 हो गया. अब 8 से फिर 5 वोल्ट के अक्रॉस मूव कर रहे हैं, लोअर से हायर पोटेंशियल टर्मिनल, तो फिर से राइज मिलेगा आपको. यस यस, तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 5 व्हिच इज 13, राइट? फिर आप 15 वोल्ट के बैटरी के अक्रॉस मूव कर रहे हो बट प्लस से माइनस जा रहे हो, इसका मतलब क्या है, ड्रॉप. तो कितना हो जाएगा, 13 माइनस 15 व्हिच इज माइनस 2, राइट? एंड अब आप 2 ओम्स के रेजिस्टेंस के क्रॉस जा रहे हो एंड यू आर मूविंग अगेंस्ट करंट, अगेंस्ट करंट मतलब यू गेट अ राइज ऑफ पोटेंशियल, कितने का, 4 का. तो यहां पे कितना होना चाहिए, माइनस 2 प्लस 4 व्हिच इज प्लस 2, गॉट इट? तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी कितना हो गया, प्लस 2 वोल्ट, गॉट इट? यस सर. एक बार आप नीचे से ट्राई करके देखो तो यही सेम आंसर आ रहा है क्या, नीचे से ट्राई करके देखो तो, मैं तो ऊपर से चल के गया, आप एक बार नीचे से चल के जाओ, देखो सेम आंसर आ रहा है. सिर्फ एक कोई कर रहा है, यस सर, प्लस 2 आ रहा है, ठीक है? देखो जिनका नहीं आ रहा है एक बार चेक कर लो, मैं इस बार नीचे मूव कर रहा हूँ, 0 से 10 वोल्ट के क्रॉस, तो प्लस 10 लिखेंगे, फिर यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ रेजिस्टेंस, सो यू विल गेट अ ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, IR का ड्रॉप. तो 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है मतलब 2 वोल्ट का ड्रॉप मिलेगा, तो 10 माइनस 2 लिखेंगे, इसका मतलब ये 8 आएगा. फिर यू आर मूविंग अक्रॉस द बैटरी एंड बैटरी का जो EMF है वो 20 वोल्ट का है एंड यू आर मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर, तो 20 वोल्ट का ड्रॉप मिलेगा, तो 8 माइनस 20 एंड दैट बिकम्स 12. फिर अगेन यू मूव अक्रॉस अ रेजिस्टेंस माइनस 12 एंड अगेन यू मूव अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम्स, सो ड्रॉप मिलेगा फिर से कितने का, 1 का, सॉरी 1 इंटू 2 का, माइनस 2, तो यहाँ पे माइनस 12
एंड माइनस ऑफ टू मतलब माइनस फोर्टीन राइट माइनस फोर्टीन फिर अगेन यू मूव अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ टू ओम्स सो फोर वोल्ट का ड्रॉप फर्दर राइट मतलब माइनस फोर्टीन माइनस फोर मतलब ये माइनस एटीन हो गया एंड अब पॉइंट पी पे जाना है पॉइंट पी पे जाना है मतलब माइनस एटीन प्लस ट्वेंटी कितना हो गया प्लस टू दिख रही है आपको यस सर ठीक है आपको जो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत होगी आप केवीएल लगाते होंगे मतलब इक्वेशन लिखते होंगे जैसे एक पॉइंट से स्टार्ट किया एंड देन फिर प्लस आई आर फिर माइनस ई ऐसे करके करते हैं बट उससे स्पेस लेगा अननेसेसरी का जरूरत नहीं है आप सर्किट में ही सारे पॉइंट्स को मार्क करके वहीं पे लिखते चले जाओ समझ आ रही है आपका स्पेस भी बचेगा और टाइम भी बचेगा स्पेस भी बचेगा टाइम भी बचेगा और कैलकुलेशन भी आसान दिखेगा इससे समझ आ गई सभी को आगे बढ़े ठीक है अभी आगे करते हैं is 2 ohms, 1 ohms, 3 ohms, 12 volt, 4 volt, 4 ohms, 5 ohms, 5 ohms, and this is 10 volt. Now they have given us this point as grounded, corner wala. And yahan pe point A mark kiya, and they've asked us potential of point A. Theek hai, ye find karni hai. देखो ट्राई करो कितनी आ रही है अच्छा पहले ये बताओ मुझे ये जो बीच में जो कनेक्टिंग ब्रांच है चार वोल्ट वाला बैटरी का उस ब्रांच का करंट कैसे निकाले करंट जीरो क्यों होगा सर दो लूप तो अलग अलग फॉर्म में जा रहे हैं तो उससे क्या होगा जस्टिफाई करिए दो अलग अलग लूप होने से क्या होगा सर तो करंट उसी में फ्लो करेगा बीच में जाएगा ही नहीं ठीक है देखो इधर एक चीज सबको समझ आनी चाहिए आप ठीक बोल रहे हो बेटा अगर आप देखोगे जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट लूप में जैसे लेफ्ट हैंड साइड वाले लूप में दिखा रहे ठीक है इसमें मान लो आपने कोई भी करंट एक I1 माना है ठीक है I1 माना वही करंट I1 इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है I1 इधर भी आ गया तो अब उस जंक्शन में देखो जिसको मैंने रेड कलर के डॉट से मार्क कर रखा है वो जंक्शन पे देखो ऑलरेडी आपको लेफ्ट साइड में जाता हुआ करंट दिख रहा है I1 एंड ऊपर से आता हुआ करंट भी I1 दिख रहा है ना yes, तो जितना करंट जा रहा है उतना तो आ गया तो बाकी कुछ करंट तीसरे ब्रांच में हो सकता है क्या
हो सकता है क्या? नहीं. नो सर. समझ आ रही है आपको? सेम लॉजिक, आप राइट वाले ब्रांच में भी देखो. अगर मैं यहाँ पे कुछ एक करंट I2 दिखाता हूँ, तो यही करंट I2 इधर भी है, यही करंट I2 इधर भी है, यही करंट I2 इधर भी है. अब ऊपर वाला जंक्शन देखो, जिसको मैंने फिर से रेड कलर के डॉट से दिखा रखा है. उस जंक्शन में देखो राइट की तरफ I2 चला गया, बट नीचे से देखो I2 आ गया है. दिख रहा है? Yes. इसका मतलब जितना गया उतना आ गया, तो फिर तीसरे ब्रांच में कुछ करंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना. समझ आ रही है? इसका मतलब है कि बीच वाला जो कनेक्टिंग ब्रांच है उसमें कभी भी कोई करंट नहीं होगा. तो इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखिए कि कभी भी दो इंडिपेंडेंट लूप, उनको अगर आप एक ब्रांच से कनेक्ट कर देते हो, एक ही ब्रांच, दो ब्रांच नहीं लेना है, एक ही ब्रांच से अगर कनेक्ट कर देते हो, तो फिर इस तरह के सिनारियों में इस ब्रांच में कुछ भी ले लो, उस ब्रांच में करंट नहीं फ्लो कर सकता है. और करंट नहीं फ्लो करेगा तो क्या ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है? ये 4 ओम्स का जो रेजिस्टेंस दिखा रखा है, क्या ये इंपॉर्टेंट है? नो सर. नहीं. तो इसका होना और नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं कर रही है. डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर. बट बैटरी को हटा सकते हैं क्या? बट 4 वोल्ट वाले बैटरी को हटा सकते हैं क्या? नहीं. क्योंकि उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस तो आएगा. समझ आ रही है? ठीक है. तो वो पोटेंशियल डिफरेंस डिसाइड कर रहा है, बट वो करंट डिसाइड नहीं करेगा. ठीक है, करंट डिसाइड नहीं करेगा. करंट जो है वो बाकी इंडिपेंडेंट लूप ही अपना डिसाइड कर रहे हैं. ठीक है. अब एक बार ये कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो ज्यादा मुश्किल काम नहीं है. पहला आई1 करंट निकाल लो. ये जो करंट आई1 फ्लो कर रही है, ये करंट आई1 कितनी है? 10/10, विच इज 1 एम्पियर. दूसरे पार्ट में करंट निकालो, I2 निकालो एक बार. ये जो I2 आएगी, that will be 12 divided by 3 plus से 3, which is 6, मतलब 2 एम्पीयर. आ रही है? अब जहां पे अपने जीरो मार्क किया है, वहां से पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो. जहां पे अपने जीरो मार्क किया, वहां से पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. यहाँ पे जीरो है, एंड लेफ्ट की तरफ आप मूव करो. लेफ्ट की तरफ मूव करोगे तो सिंस यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा. राइट. 1 ओम्स के क्रॉस 2 वोल्ट का ड्रॉप, मतलब 0-2 हो जाएगा, विच इज -2. फिर 2 से फिर -6 आ जाएगा, तो -8 हो जाएगा. होगा ना? समझ आई? यस सर. फिर -8 से +4 के क्रॉस मूव कर रहे हो, तो कितना हो जाएगा? -4. समझ आ रही है? -8 +4 विच इज -4. फिर उसके बाद फिर 5 ओम्स के क्रॉस आप मूव कर रहे हो, तो 5 ओम्स के क्रॉस अगर आप मूव करोगे तो यू आर मूविंग अगेंस्ट करंट. दिख रहा है आपको? अगेंस्ट करंट मतलब राइज मिलेगा. तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे? -4 + 5, विच इज +1. सो देयरफॉर पोटेंशियल ऑफ ए बिकम्स +1 वोल्ट. हो गया आंसर? समझ आई? यस सर. सो इसमें जो हमने सीखा वो ध्यान रखिएगा. व्हेनेवर टू इंडिपेंडेंट लूप्स आर कनेक्टेड by a branch, then irrespective of whatever is connected in this branch, no current can flow through it. Else, KCL, Kirchhoff's current law, will be violated at junction where this branch meets the independent loops. चलो, क्लियर है सबको? समझ आ गई? आगे बढ़े? यस सर.
चलो भी आगे बढ़ते हैं. Find the current in the branch AB in circuit below. मान लेते हैं ये है 3 ohms, ये 6 ohms एंड ये मान लेते हैं आपके लिए है 6 ohms और ये है 12 ohms. ये है टर्मिनल ए, ये है टर्मिनल बी और ये मान लेते हैं 18 ohm. आपको ए बी ब्रांच में करंट निकालनी है. कैसे निकालोगे सर? ए बी तो शॉर्ट सर्किट हो जाए. ताले निये? हाँ निये. तार पड़े सर दारा ने तो भाभी ताले की बोलते चाहिए तो जीरो हो जाए. सर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल को हम सेम रखेंगे. हाँ दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो उससे क्या डिसाइड होगा? करंट जीरो. करंट तो जाएगा सर. तो फिर क्या करेंगे? सर 2 ohm होगे कि क्या? क्या फिर से बोलिए. 2 ohm क्या? 2 2 ohm होगे कि करंट एर मान 2 ohm करंट एर मान 2 ohm बेटा ही बोल चुके हम. अरे ओहम ओहम मारो का थप्पड़ एम्पियर एम्पियर थोड़ी सॉरी बार बार बोल रहा हूँ सुन नहीं रहा है बहरा हो गया. कैसे अगर ए से बी तक अगर हम लोग एक लूप रन करेंगे. ए से बी तक एक लूप? ए से बी में कोई लूप तो नहीं है. ए से बी तो एक वायर है. ए से बी तक एक लूप नहीं सर, मतलब ए फिर 3 ohm फिर 6 ohm फिर बी. ठीक है फिर सर तो ऐसे करके तो कर सकते हैं. मतलब आप बोल रहे हैं कि बेसिकली केवीएल लगाने के लिए ही ना? केवीएल लगाने. हाँ सर. नहीं ऐसे ऐसे बहुत लंबा होगा. आप ऐसे करेंगे तो टाइम वेस्ट ही करते रहेंगे. आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको ऐसे कनेक्टिंग ब्रांच दिखते हैं जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है. ए बी वाले ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है? है या नहीं है? नहीं सर. ए बी वाले ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है और रेजिस्टेंस नहीं है इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस निकालने वाला तरीका जो है यहाँ पे वर्कआउट नहीं करेगा. तो आपको करना क्या है? आपको किरचॉफ्स करंट लॉ यूज करके ही इस ब्रांच का करंट को फाइंड करना है. जैसे मान लो कि जंक्शन ए पे देखो, जंक्शन ए पे जो कनेक्टेड जो दो रेजिस्टेंस है 3 ohms और 12 ohms, अगर मुझे उन दोनों का करंट पता चल जाए तो क्या मैं ए बी का नहीं निकाल सकता? हाँ सर. निकाल सकते हैं. ठीक है. सेम एग्जैक्टली यही चीज आपको यूज करना है. तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट द करंट इन 3 ohms एंड करंट इन 12 ohms एंड उसके बाद फिर आप किरचॉफ्स करंट लॉ लगा के आप एवी वाले वायर का करंट को फाइंड करेंगे. डिड यू गेट व्हाट आई सेड? यस. ठीक है. अब एक बार अगर आप ये डिसाइड कर चुके तो आप मेहनत काम नहीं है. ठीक है. मेन यही कांसेप्ट है जो आपको समझना था. रेजिस्टेंस तो हम इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं ना एक लाइन में. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 3 इन पैरेलल विद 6 इन सीरीज विद 6 इन पैरेलल विद 12. यही है ना? है. यस सर. तो ये कितनी आएगी? 3 इन पैरेलल विद 6 कितना है? 2 2 प्लस 4 6 हो गया. ठीक है ना? यस सर.
तो बैटरी के थ्रू जो करंट फ्लो कर रही है, बैटरी के थ्रू ये करंट कितनी हो जाएगी, 18 डिवाइडेड बाय 6 व्हिच इज हाउ मच, 3 एम्पीयर, राइट? यस सर. अब ये 3 एम्पीयर देखो दो ब्रांच में डिवाइड हो रही है, हो रही डिवाइड. हां सर. अगर यहाँ पे ऊपर वाले ब्रांच के करंट को अगर मैं I1 लिखता हूँ और नीचे वाले करंट को I2 लिखता हूँ, तो I1 की वैल्यू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये 6 by 6 plus 3 which is 9 by 9 into total which is 3, right? तो कितना आ रहा है ऊपर वाले ब्रांच में, 2 एम्पीयर का करंट आ रहा है. Yes. अब इसी तरह से 12 and 6 में डिवाइड करो, इसको मान लेते हैं I1 dash और इसको मान लेते हैं I2 dash. I1 dash की वैल्यू कितनी लिखो गया, 6 by 18 into I, right? Yes. I which is 3, again 3 डाल दिए देते हैं, तो कितना आ रहा है, 1 एम्पीयर आ रहा है ना, आ रहा है. Yes. तो जंक्शन ए पे देखो, जंक्शन ए पे करंट आ रहा है कितना, 2 एम्पीयर, और जा रहा है कितना, 1 एम्पीयर. क्या ऐसा हो सकता है कि आए 2 और जाए 1, नहीं हो सकता ना. तो जो एक्स्ट्रा 1 एम्पीयर है वो कहां से जाएगा, एबी से तो जाएगा ना. Yes, sir. और वो किधर से किधर जाएगा, ऊपर से नीचे, समझ आया? समझ आया, समझ आया नहीं आया? तो 1 एम्पीयर का करंट फ्लो करेगा ए से बी की तरफ. शायद तुम्हारा 2 एम्पीयर कैसे आ रहा था, बताओगे मुझे थोड़ा? सर मैं वो सबसे लो रेजिस्टेंस वाला जो पाथ वो ले रहा था, मतलब सबसे लो रेजिस्टेंस वाला पाथ किसको बोलते हैं, मतलब सर ये 3 ओम से पास करके एबी से पास करके 6 ओम ये वाला पाथ ले रहा था सर. अच्छा, तो एक चीज सोचो, तुमने करंट तो 3 ओम्स में पास कराया, इसका मतलब 3 ओम्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया है. अगर 3 ओम्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया है तो उसके पैरेलल में जो नीचे में 6 ओम्स है उसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस है. हाँ सर. इसका मतलब उसमें भी करंट है. हाँ हाँ सर. और उसका करंट है, इसका मतलब है कि पक्का है कि तुम्हारे जो सोचा है वो वाई आता है. हाँ सर. हाँ सर, सॉरी सर. कहाँ से ये सब ट्रिक्स निकालते हो, ये जो कर रहे हो कहाँ से सीख रहे हो? सर वो सबसे लो रेजिस्टेंस वाला पाथ को, सॉरी सर गलती हो गया. चलो ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं अभी. तो इसमें जो आपने सीखा है वो चीज का ध्यान रखेंगे. क्या सीखा आपने कि कभी भी कोई भी ऐसा एक ब्रांच दिखे जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है और उस ब्रांच का करंट हमें फाइंड करना है, तो हमें क्या करना है, इस ब्रांच से कनेक्टेड जो बाकी ब्रांचेस हैं एक जंक्शन से उनका करंट फाइंड करेंगे और फिर क्या करेंगे, KCL लगा लेंगे. And then KCL across RAB. Thank you, sir. नहीं, KCL across junction A. मतलब junction A. At junction A. Across तो नहीं बोलना चाहिए, at junction A. जी सर, thank you sir. हाँ, कोई लड़की भी कुछ पूछ रही थी, कुछ पूछ रहे थे कोई? सर, सर ये वाला A से B direction लिया है क्योंकि क्योंकि माइनस में आ रहा, मतलब 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 होगा. अरे आ रहा है करंट, तुम बेवकूफ लड़की हो एक नंबर की, खाली मैथमेटिक्स समझती हो, कुछ कंसेप्ट नहीं समझती हो. इस जंक्शन में करंट कितना आ रहा है, इस जंक्शन में करंट, ए जंक्शन जो है उस जंक्शन में कितना करंट आ रहा है, आ रहा है 2, और जा रहा था कितना, और जा रहा था, और जा रहा था कितना, 1. तो अगर आया है 2 और गया है 1, तो एक एक और जाना पड़ेगा ना, एक और जाना पड़ेगा. तो जाने वाले को कैसे दिखाओगे, अवे फ्रॉम द जंक्शन नहीं दिखाओगे क्या, या अवे टुवर्ड्स द जंक्शन दिखाओगे? सबका वॉइस कट रहा है. वॉइस कट रही है? नहीं सर, आ रहा है सर. हां सर, वॉइस कट रहा है. ये आपके एंड पे मोस्ट प्रोबेबली नेटवर्क प्रॉब्लम होगा मुझे लगता है. बाकी लोगों को एक बार कंफर्म करिए, आवाज ठीक आ रही है बेटा? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हमें ये लिख देता हूँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. ठीक है, व्हेनेवर वी आर टू फाइंड करंट इन अ ब्रांच Which does not, कट रहा है
आप एक बार डिस्कनेक्ट करके वापस से कनेक्ट कर लीजिए, वॉइस सीक हो जाएगी. Whenever we are to find current in a branch which does not contain any resistor, then अभी आ गया. ठीक है. Then we find current in other branches connected to this branch. And then apply KCL. ठीक है, यही कंसेप्ट ध्यान रखिएगा इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. देखते Okay. So this is terminal A, this is terminal B. This capacitance C1 is 4 microfarad, and this capacitance C2 is 12 microfarad. This resistance R1 is 2 ohms, and this resistance R2 is 4 ohms. And this battery has an EMF of say 24 volt. A और B के बीच में एक स्विच कनेक्ट कर दिया है. इस स्विच को S कह लेते हैं. The circuit shown is in steady state. Steady state में है. Now switch S is closed. Switch S को close कर दिया. और उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं पहला पार्ट, find direction of current through switch just after closing it. Just after closing it. And dusra, total charge flown through switch after closing it. Close करने के बाद total charge कितना होगा? ये तो चीजें मैं find करनी है. मैं करता हूँ, देखो मैं इसको करूंगा. देखो चेक करो. पहला चीज, स्टेडी स्टेट कहने का मतलब क्या है? स्टेडी स्टेट कहने का मतलब सर्किट में देखो कैपेसिटर भी है, रेजिस्टेंस भी है. तो स्टेडी स्टेट होने का मतलब क्या है? कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज होगा. यस सर. राइट, क्योंकि अगर वो चार्ज नहीं होगा तो स्टेडी स्टेट तो नहीं आएगा. तो स्टेडी स्टेट का मतलब है कैपेसिटर्स कंप्लीटली चार्ज्ड है, कंप्लीटली चार्ज्ड. और अगर कैपेसिटर्स कंप्लीटली चार्ज है तो क्या उनके उनके ब्रांच में कोई करंट होगा? नहीं. ठीक है, और उनके ब्रांच में करंट नहीं है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसके पोटेंशियल डिफरेंस को तो मार्क कर सकते हैं अपने तरीके से. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा C1 के क्रॉस, ये C2 के प्रोपोर्शनल होगा. मतलब 12 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 4 व्हिच इज 16 इनटू 24. लिख सकते हैं ना ऐसा? लिख सकते हैं? यस. ये 18 वोल्ट आ रही है. और इधर 18 है तो पक्का है. यहाँ पे कितना है? 6 वोल्ट, राइट? यस सर. ठीक है. अब देखो यहाँ पे जो करंट होगी वही करंट तो इधर भी जाएगी. इधर तो जा रही है ना करंट, नीचे वाले ब्रांच से तो करंट फ्लो करेगी. ऊपर में नहीं फ्लो कर रही है, बट नीचे में तो नहीं फ्लो करेगी, नीचे में तो फ्लो करेगी. तो ये करंट कितने का है? 24 डिवाइडेड बाय 6,
which is 4 ampere. अब अगर 4 ampere का current है तो यहाँ का potential difference कितने का होगा? 8 volt, right? 4 into 2. And यहाँ पे कितना होगा? 4 into 4, which is 16 volt. Correct है? ठीक है. अब lower potential terminal battery का किधर है? Left की तरफ. और higher potential terminal right की तरफ है. तो आप अगर आप लोअर पोटेंशियल टर्मिनल को अगर आप जीरो पे चूज कर ले तो लेट्स से मैं लोअर पोटेंशियल टर्मिनल को जीरो चूज किया तो देखो तो ये वाले एंड को भी क्या मैं जीरो पे मार्क कर सकता हूँ चेक करो यस ठीक है तो अब अगर पॉइंट ए का पोटेंशियल मार्क करें तो जीरो से ये देखो ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू सही दिखा रहा हूँ ना मैं पोलैरिटी सही दिखाया तो जीरो से C2 के क्रॉस मूव करोगे तो yes, आप लोअर से हायर पोटेंशियल पे जा रहे हो तो पोटेंशियल क्या लिखना चाहिए आपको प्लस सिक्स समझ आ रही है yes, और जीरो से B के B की तरफ अगर जाओगे तो 16 वोल्ट का राइज मिलेगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे प्लस 16 समझ आई yes, sir. और जब आप स्विच इसको क्लोज करोगे yes, तो करंट किधर फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करेगा नहीं करेगा Yes, sir. तो किधर से किधर फ्लो करेगा बी से ए की तरफ B2. समझ आई सबको yes, sir. So, अगर आप पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट क्या 16 वोल्ट कैसे आया यार रेजिस्टेंस R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ठीक है यही पोटेंशियल अगर आप यू नो राइट की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट करते तो भी सेम आता देखो बैटरी के लोअर पोटेंशियल पे तो मैंने जीरो मार्क कर रखा है तो बैटरी के लेफ्ट के से मतलब बैटरी की तरफ अगर मूव करते तो पोटेंशियल कितना लिखते हैं जीरो प्लस 24 व्हिच इज 24 लिखते हैं ना तो यहाँ पे भी 24 हो जाता है एंड 24 से देखो C1 के क्रॉस मूव करोगे तो 18 का ड्रॉप मिलेगा ना आपको तो 24 माइनस 18 कितना हो गया 6 वही चीज अगर नीचे वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस मूव करते तो 24 माइनस 8 लिखते हैं इट विल बी 16 समझ आ रही है ठीक है सेम चीज है तो इससे तो पहले चीज तो ये पता चल गया कि आपको पहला वाला पार्ट का आंसर मिल गया सो फर्स्ट पार्ट का आंसर इज फ्रॉम बी टू ए और क्यों लिया बी टू ए सिंस पोटेंशियल ऑफ बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ ए समझ आ गई सबको यस अब सेकंड पार्ट पे आते हैं सेकंड पार्ट पे उसने पूछा है चार्ज कितनी फ्लो करेगी थ्रू स्विच आफ्टर क्लोजिंग इट तो देखो चार्ज तो शुरू में फ्लो करेगा बट स्टेडी स्टेट फिर से आ जाएगा कभी ना कभी एक बार अगर स्विच को क्लोज किया आपने तो स्विच को क्लोज करने के बाद देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस C1 के अक्रॉस होगा और जो R1 के अक्रॉस होगा वो सेम हो जाएगा यानी क्लोज करने के बाद की बात कर रहा हूं आप इमेजिन करो कि हमने स्विच को क्लोज कर दिया है तो अब C1 और R1 देखो पैरेलल में दिख रहे हैं आपको yes. इसका मतलब C1 के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस और R1 के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा नहीं होगा yes. समझ आ रही है सेम लॉजिक आप C2 और R2 के लिए भी कह सकते हैं राइट एंड फिर से जब स्टेडी स्टेट आ चुका होगा तो फिर से ऊपर वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं हो सकता C1 और C2 में कोई करंट नहीं हो सकता क्योंकि स्टेडी स्टेट जब आ जाएगा जब उनकी चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी तब उनके ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा और उनके ब्रांच में करंट नहीं है तो फिर से करंट सारा का सारा कहां फ्लो कर रहा है R1 और R2 के क्रॉस यस सर समझ आ रही है तो इसका मतलब R1 और R2 के क्रॉस स्टेडी स्टेट का पोटेंशियल डिफरेंस फिर से जब आएगा तब फिर से आपका 8 वोल्ट और 16 वोल्ट ही हो जाएगा ना समझ आ रही है Yes. इसका मतलब C1 के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी 8 वोल्ट है और C2 के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा 16 वोल्ट होगा दिस इज अगेन एट स्टेडी स्टेट समझ आई यस सो व्हेन स्विच इज क्लोज्ड एट स्टेडी स्टेट अगेन मतलब फिर से जब स्टेडी स्टेट आएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 इज इक्वल टू potential difference across R1 and similarly potential difference across C2 will be equal to potential difference across R2 and no current in branch of capacitors therefore potential difference across C1 will be equal to potential difference across R1 which will be same as 8 volt jo humne nikala tha to ye 8 volt likh de rahe hain theek hai this is 8 volt and potential difference across C2 will be potential difference across R2 which will be 16 volt theek hai to ab main kya kar raha hu yahan pe ye junction pe charges dikha raha hu dekho ye hamara C1 hai ye C2 hai
C1 था हमारा कितने का, 4 और 12, this was 4 microfarad, this was 12 microfarad. ओके, इनिशियली चार्जेस देखो हमने यहाँ पे क्या दिखाया था, यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू, फिर यहाँ प्लस क्यू यहाँ माइनस क्यू, ये इनिशियल चार्जेस थे ना? यस यस सर. ठीक है, और yes, ये जो तीसरी ब्रांच जो नीचे जा रही थी, ये तीसरी ब्रांच जो नीचे जा रही थी, पहले तो ये ओपन थी ना ओपन, ये वाली ब्रांच पहले तो ओपन थी, ये जो नीचे जा रही है ये वाली ब्रांच ओपन थी पहले. तो अगर आप देखोगे तो इन दोनों को मिला के जो प्लेट बन रही है, देखो इन दोनों को जो मिला के प्लेट बन रही है, इनका चार्ज टोटल कितना है, जीरो है या नहीं है? जीरो दिख रही है आपको, पहले तो ओपन था. ठीक है, बट अब जब स्विच को क्लोज कर दिया हमने तब तो इसका चार्ज जीरो नहीं है. देखो जब हमने स्विच को क्लोज कर दिया, अब का चार्ज मैं दिखाता हूं आपको. अब ये चार्ज चेंज होके हो गई है प्लस क्यू वन, एंड ये चार्ज चेंज होके हो गई है माइनस क्यू वन, जहां पे क्यू वन की वैल्यू इज सी वन इंटू वी वन, 4 × 8 विच इज 32. समझ आ रही है आपको? यस सर. फिर सिमिलरली ये चार्ज भी चेंज होके हो गई है प्लस क्यू टू, और ये चार्ज चेंज होके हो गई है माइनस क्यू टू, एंड क्यू टू की वैल्यू सी वी फिर से, सो 12 × 16 दिख रही है आपको, तो यार ये 192 माइक्रोकूलम आ रही है. अब देखो आप जो C2 का लेफ्ट प्लेट है उसमें 192 प्लस चार्ज है, और C1 का जो राइट प्लेट है उसमें 32 माइनस चार्ज है, दिख रही है आपको? Yes, sir. तो ये जो एक्स्ट्रा कितने का चार्ज है, 160 का एक्स्ट्रा है या नहीं? तो ये 160 का एक्स्ट्रा चार्ज कहां से आएगा, इस ब्रांच से ही तो फ्लो करके जाएगा ना. समझ आ रही है? तो ये जो चार्ज फ्लो कर गई है, फ्लोन चार्ज, इसको हम क्या लिखेंगे, दिस विल बी प्लस क्यू टू plus Q2 and plus minus of Q1 and that becomes 160 microcoulomb. Who can answer? Samajh aayi? Yes sir. Yes sir. Sabko clear hai? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. ठीक है. तो चार्ज फ्लो जब भी आपको निकालना हो किसी भी वायर के थ्रू, तो आप हमेशा क्या करेंगे कि उससे कनेक्टेड जो दो कैपेसिटर्स हैं, मतलब उस ब्रांच से जो भी कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, उनका पहले का चार्ज देखो कितना है और बाद का चार्ज देखो, ये दोनों चार्ज का डिफरेंस है, मतलब कि जो एक्स्ट्रा है वही इसके थ्रू फ्लो करके गया, बस सिंपल सा रूल यही है. ठीक है, इस तरह के चांसेस आपके बहुत कम है, कि नीट में आएंगे, बहुत कम चांसेस है नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम इंजीनियरिंग में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, बट नीट में बिल्कुल नहीं आते हैं. बट फिर भी अगर इन केस आ गया तो आप ब्लैंक हेड नहीं रहोगे, क्योंकि 45 क्वेश्चन जब आते हैं तो उसमें से 3-4 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसा आ सकता है, मतलब मैं ये श्योर होकर कह सकता हूँ कि 40 क्वेश्चन तो ऐसे नहीं आएंगे, बट हाँ 4-5 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जैसा आए, क्योंकि वो रैंक डिसाइड करता है, 4-5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. चलो नहीं तो भी आगे बढ़ते हैं. आपको करंट थ्रू 3 ohms फाइंड करनी है, कितनी आएगी, फाइंड द करंट थ्रू 3 ohms. देखो नॉर्मली आप लोग जो अभी तक करते आए हो, मैं आपको वो बताता हूँ कि आप कैसे करते हैं. आप लोग जो अभी तक करते आए होगे, आप क्या करते हो, इस लूप में करंट मानते हो I1, फिर इस लूप में करंट मानते हो I2, तो इस ब्रांच में कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2, हो गई नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. हो गई नहीं होगा. तो
तो इसके अकॉर्डिंग आप दो वेरिएबल आपने चूज किए हैं, तो दो वेरिएबल के लिए आप दो इक्वेशन फॉर्म करते हो। दो इक्वेशन कहां से आता है? केवीएल लगा के। एक लेफ्ट साइड का लूप में आपने केवीएल लगा लिया और एक राइट साइड के लूप में आपने केवीएल लगा लिया और फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। यही करते हैं राइट? ठीक है, बट हम ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, हम ऐसे नहीं करेंगे, इससे थोड़ा टाइम वेस्ट होगा क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करने में आपको टाइम लगेंगे। दो वेरिएबल आपने यूज किए हैं। एक दूसरा तरीका दिखाता हूँ इसको सॉल्व करने का, एक्चुअली दो तरीका है। एक पहला तरीका दिखाता हूँ पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला। ठीक है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन वाले तरीके जो हमने कैपेसिटर सर्किट में किए थे वो तरीका याद है आपको, कि सर्किट के किसी भी एक पॉइंट को आप जीरो पोटेंशियल पे चूज कर लो और उसके बेसिस पे आप सारे पॉइंट पे पोटेंशियल मार्क करो। अगर बैटरी मिला तो ईएमएफ का चेंज करेंगे, और अगर बैटरी नहीं मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है यहाँ पे, तो उसका करंट नहीं पता, तो फिर उसके लिए वेरिएबल चूज करेंगे। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पे प्रोसीड कर रहा हूँ। 18 वोल्ट के लोअर पोटेंशियल को मैंने जीरो मान लिया, तो ऊपर में 18 लिख सकते हैं हम, ले सकते हैं? यस सर। तो यहाँ पे भी 18 हो गया। अब 18 से 6 के क्रॉस मूव करोगे तो ड्रॉप मिलेगा, तो 18 माइनस 6 मतलब 12 हो गया, राइट? यस सर। अब देखो, अब आप 0 से 6 के क्रॉस मूव करो या 18 से 3 के क्रॉस मूव करो या 12 से 2 के क्रॉस मूव करो, क्या आपको किसी का भी पोटेंशियल पता है? नहीं सर। तो अब आपको वेरिएबल लेना ही पड़ेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे x लिख लिया सपोजली वेरिएबल, तो यहाँ पे भी x ही होगा ना, होगा ना? हाँ, right? तो इस सर्किट में अब मेरे पास कितने वेरिएबल हैं? एक है या दो है? एक, एक, एक। जबकि जब आपने करंट डिस्ट्रीब्यूट करके किया था तो कितने वेरिएबल आ रहे थे? दो। तो हमारा एडवांटेज हुआ ना यहाँ पे, एडवांटेज हुआ ना कि हमें एक वेरिएबल के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब ये x का वैल्यू निकालेंगे कैसे? आपको याद है कैपेसिटर में हम क्या करते थे? हम कैपेसिटर में कहते थे किसी भी जंक्शन में नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। यहाँ पे क्या बोलते हैं? किसी भी जंक्शन में नेट करंट कितना होना चाहिए? जीरो। बोलेंगे ना? यस सर। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? अप्लाइंग केसीएल, केसीएल अप्लाई करेंगे, केसीएल एट जंक्शन एक्स, जंक्शन एक्स। तो इसको लिखेंगे समेशन ऑफ करंट एट जंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो। अब समेशन ऑफ करंट मतलब जैसे चार्ज लेते थे तो हमेशा अंदर से बाहर पोटेंशियल डिफरेंस लेते थे, याद है आपको? यस सर। तो वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। देखो x माइनस जीरो डिवाइडेड बाई सिक्स प्लस एक्स माइनस 18 डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू जीरो। समझ आई सबको? यस यस। जंक्शन x से दो ब्रांच है या तीन ब्रांच है? जंक्शन x से दो ब्रांच है, तीन ब्रांच है। करंट ले रहे हैं, जितने ब्रांचेस कनेक्टेड होंगे जंक्शन से वो सारे करंट लेने पड़ेंगे आपको। अब तो बस सॉल्व करना है, तो कुछ बचा नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से अब आपके पास आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम तो 6 ही हो जाएगा। x प्लस 2x माइनस 36 फिर प्लस 3x माइनस 36 इज इक्वल टू जीरो। देखो तो ये आ रही है क्या? आ रही है? तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 3 3 6 6x इज इक्वल टू 72। वैल्यू आ रही है 12 वोल्ट आ रही है ना x की वैल्यू। ठीक है, अब अगर x मिल गया आपको, देखो तो आपको करंट मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा। यस सर। ये x आपने फाइंड किया, कितना आ गया है? 12 वोल्ट आ गया है। वंस यू हैव फाउंड x का वैल्यू 12 वोल्ट, करंट फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो 18 इज हायर देन 12, तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? दिस करंट विल बी, ये करंट अगर i लिख रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 18 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3 विच इज 2 एम्पियर। गॉट इट? यस सर। समझ आई सभी को? Yes, sir. अब एक alternate तरीके से करते हैं इसको। alternate तरीका basically equivalent EMF वाला तरीका है। इसमें batteries को हम replace करेंगे और एक equivalent battery से replace करेंगे, ठीक है? ये मैं अब alternate तरीका आपको दिखा रहा हूँ। Alternatively, जिस ब्रांच का करंट आपको फाइंड करना है उस ब्रांच को हम मान लेते हैं ए और बी नाम देते हैं, ठीक है? ए और बी नाम देते हैं, और ए बी टर्मिनल के अक्रॉस सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं एक बार। जस्ट ये एक बार रीड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती, आपको सर्किट में एक बार दिख गया तो आप तुरंत खुद से कर लोगे। ये टर्मिनल ए और बी को हमने ड्रॉ किया, ये 3 ओम्स का रेजिस्टेंस है यहाँ पे, एंड बाकी जो है इसके अक्रॉस देखो क्या क्या कनेक्टेड है, इसके अक्रॉस बाकी क्या क्या कनेक्टेड है उसको एक बार देखो। इससे जो एक कनेक्शन दिख रहा है मुझे वो दिख रहा है 6 वोल्ट एंड 2 ओम्स,
this is 6 volt, 2 ohms, and dusra jo dikh raha hai, wo dikh raha hai 18 and 3, 18 and 6, sorry. देखो तो यही है क्या सिचुएशन, चेक करो, चेक करो. हाँ देखो आपके पास दोनों डायग्राम तो पास में ही है, वेरीफाई कर लो एक बार. पोलैरिटी भी मैच करना चाहिए, पोलैरिटी आप उल्टा नहीं कर सकते, पोलैरिटी चेक कर लो सेम है या नहीं. दिख रही है सभी को? यस सर. अब तो ये इक्विवेलेंट ईएमएफ का केस हो गया, हुआ ना? तो ये वाले पार्ट का क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन है? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है. तो ई इक्विवेलेंट क्या लिखोगे आप? ई1 बाय आर1 मतलब 18 बाय 6, प्लस करना है या माइनस करना है? प्लस करना है या माइनस करना है? माइनस करना है. माइनस करना है, एक बार चेक करके देखो. तो ये करंट इधर सेंड करने की कोशिश कर रहा है और ये भी करंट इधर सेंड करने की कोशिश कर रहा है, तो माइनस करेंगे. हां माइनस करेंगे तो अगर यहाँ से ऐसे जाएगा तो कहाँ से कैसे जाएगा? तो मतलब हमने हमने ये जो करंट सेंड करने की एबिलिटी चेक करनी है या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में चेक करनी है, खुद के लूप में नहीं. तुम सोच रहे हो शायद ऐसे, ऐसे सोच रहे हो क्या? हाँ सर. ऐसे कैसे? हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए बात कर रहे हैं ना. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब हम फाइंड कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम माने इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड कर रहे हैं, तो टर्मिनल ए बी के लिए फाइंड कर रहे हैं या फिर लूप के अंदर घूम रहे हैं, बैटरी के लूप के अंदर घूम रहे हैं? ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ गई अकॉर्डिंगली. सो यहां से देखो आपकी इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी आ रही है, ऊपर में 3 प्लस 3 ये 6 हो गया, एंड डिवाइडेड बाय यहां पे हो जाएगा 6 का एलसीएम है तो यहां पे हो गया 6, ऊपर चला जाएगा 1 प्लस 3 4 हो जाएगा. ये रहा ना 9 वोल्ट आ रही है. यस सर. ठीक है. एंड आर इक्विवेलेंट कितनी है, व्हाट इज आर इक्विवेलेंट? 6 इन पैरेलल विद 2, राइट? So 6 into 2 is 12 by 8, which is 3 by 2 ohms. तो अब ये करंट हम इजीली निकाल सकते हैं क्या? ये करंट आई. So ये करंट would be equivalent EMF divided by R plus R equivalent. यही होगा ना? Yes sir. Capital R इसको कह रहे हैं. So equivalent EMF आई आपकी 9 divided by capital R is 3 and plus 3 by 2. 3 by 2. ये रही है? Yes sir. So 2, 3 is 6, 6 plus 3 is 9, 9 by 9 and 2, 2 ampere. देखो मैच कर रहा है. ठीक है? Yes sir. Yes sir. आपको जो भी समझ आए वो भी देखो. I mean इसमें सेकंड वाले मेथड में हमने कोई वेरिएबल चूज नहीं किया, फर्स्ट वाले मेथड में एक वेरिएबल यूज किया है. और आपको अगर सबसे पहला चीज जो मैंने दिखाया था जिसमें करंट ने लेके फिर केवीएल लगा के करते, उसमें तो बिल्कुल वो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि उसमें दो वेरिएबल आएंगे और फिर आपको अननेसेसरी का टाइम वेस्ट करना पड़ेगा. उतने उससे अच्छा है वो क्वेश्चन को छोड़ो और आगे बढ़ो अगर ये सब नहीं आता है. एक और ट्राई करते हैं, इस बार आप ट्राई करना. ठीक है, लेट अस से ये है 3 ohms, ये है 6 ohms, एंड ये भी मान लेते हैं 6 ohms का है, एंड ये मान लेते हैं 10 volt का है, ये 20 volt का है और ये भी 10 volt का है. आपको पूछा है उन्होंने करंट थ्रू मिडिल ब्रांच कितना है, मिडिल ब्रांच ये फाइंड करनी है. देखो कितनी आ रही है,
सर 10/3 कैलकुलेशन करके मुझे चेक करना पड़ेगा बेटा, और 30 सेकंड्स वेट कर लेते हैं आपके लिए। सर 10/3 10/3 आ रहा है। ओके, काफी लोगों का 10/3 आ गया, चेक करते हैं अभी। लेट्स सी, मैं पहले पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन वाले मेथड से करके देखता हूँ, ठीक है? ये जीरो मान लिया, यहाँ पे 20, सो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 20 हो जाएगा, यहाँ पे भी 20 होगा। अब तो वेरिएबल लेना पड़ेगा, नहीं इधर इधर भी 10 लिख सकते हैं, 20 + 10 = 30। अब वेरिएबल लेना पड़ेगा तो इधर x मान लेते हैं, यहाँ पे x प्लस 10 हो जाएगा। सो जंक्शन x पे करंट का समेशन लगा रहे हैं, समेशन ऑफ करंट एट जंक्शन x इक्वल टू 0। सो x माइनस 30 डिवाइडेड बाय 6 प्लस x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6 प्लस x प्लस 10 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 0। देखो ये आ रही है क्या, आ रही है? Yes. So, यहां से आ गई आपके पास 2x माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 10 इक्वल टू 0 आ रही है। यहां से हो गई 4x इज इक्वल टू 50 आ रही है, एंड देयरफॉर x की वैल्यू हो गई है 25 डिवाइड बाई 2 वोल्ट आ गई है, x की वैल्यू आ गई है। एंड अब आपको करंट फाइंड आउट करनी है, तो ऑब्वियसली x की वैल्यू हायर आई है तो यहाँ पे करंट i जो होगी, सो दिस करंट i विल बी x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6। सो x की वैल्यू इज 25 बाई 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6। ये तो 25 बाई 12 आ रही है, 10/3 तो नहीं आ रहा है, मैंने कैलकुलेशन में सीखा है क्योंकि इतने लोगों के आंसर आ रहे थे। नहीं सर, वो हम 0 ऊपर ले लिए थे, जहां आप x लिए ना वहां 0, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 0 कहीं पे भी लो, आप 0 कहीं पे भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको वो भी लेके दिखा देता हूं। मैंने आपको क्या बोला, सर वहां पे 0 लेके और नीचे प्लस 20 कर लिए कि वो 6 वाला 6 ओम रेजिस्टेंस से मतलब कि कोई वोल्ट पास नहीं करवाया। अरे ऐसे कैसे, वोल्टेज का चेंज नहीं, वही करंट तो निकालना था आपको, वही करंट निकालना था, तो उसको कैसे आप 0 कर लिए? जो करंट निकालना था करंट को 0 अज्यूम कर लिया और फिर बाद में उसी करंट का नॉन जीरो वैल्यू निकाल दिया। हाँ सर, उसी में गलती हो गई। और इतने लोगों का क्योंकि आंसर मैच किया था, सबने एक ही गलती तो नहीं करी होगी, बाकी लोगों की क्या गलती हुई, बाकी लोगों की क्या गलती हुई, क्योंकि आंसर तो 4-5 लोगों ने बोला था। तो मैंने भी ऊपर 0 ले लिया, ऊपर 0 लेने से आंसर गलत आ जाएगा क्या? रुको, मैं ऊपर 0 लेके भी दिखा देता हूँ। तुम्हारा ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि हम अगर कहीं 0 अलग जगह पे चूज करें तो आंसर अलग आएगा, ये नहीं है। मैं ऊपर ही 0 लेके दिखा देता हूँ। ठीक है, चलो मैंने यहाँ 0 ले लिया, ठीक है यहाँ 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, अभी लिखेंगे। Yes, yes, sir. अब बाकी कहीं नहीं पता है देखो, तो अब आपको वेरिएबल से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो लेट अस से कि हमने इसको x ले लिया है, इसको x लोगे तो ये x प्लस 20 हो जाएगा, ये भी x प्लस 20 होगा, ये भी x प्लस 20 होगा, एंड फिर आप 10 वोल्ट के क्रॉस मूव करोगे तो ये जाएगा x प्लस 20 प्लस 10 विच इज x प्लस 30 हो जाएगा, करेक्ट है? Yes, yes, sir. आपने पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा किया था, आपने पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा किया था? नहीं सर। तो फिर अब आप इक्वेशन लिखो इसके अकॉर्डिंग, कहीं पे भी किरचॉफ्स करंट लॉ लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इक्वेशन सही से पहले सही से वेरिएबल्स तो सब्स्टिट्यूट करो। हाँ, अब हम करें तो कर समेशन ऑफ करंट एट जंक्शन, कोई भी जंक्शन पे आप एक्स वाई जेड कुछ भी लिख लो, जहां पे मन कर रहा है वहां से लो। तो इस बार 0 लिखे एंड देन इक्वल टू 0,
सो अब जीरो के रिस्पेक्ट में लिखे तो जीरो माइनस ऑफ एक्स प्लस 30 डिवाइडेड बाई 6, अच्छा जीरो लिखना है ना, सॉरी जीरो, जीरो माइनस एक्स प्लस 30 डिवाइडेड बाई 6 प्लस जीरो माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 6 प्लस 10 माइनस ऑफ एक्स प्लस 20 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू जीरो. अब यहां से ये 3 इधर से काट लेते हैं इसको, ये 2 कैंसिल आउट हो गया और यहां से आपके पास आ रही है माइनस 2x माइनस 30 यार ये, एंड ये 2 हो जाएगा तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंड दिस विल बी माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो. देखो ये आ रही है क्या, आ रही है, आ रही है. हां सर. तो माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स मतलब माइनस फोर एक्स होगी एंड इज इक्वल टू 50 आ रही है. तो एक्स की वैल्यू हो गई है 20 माइनस ऑफ 25 बाई 2 आ रही है वोल्ट में, राइट? आ रही है. अभी चेक करो, एक्स आई है नेगेटिव ऑफ 25 बाई 2 और उसका ऊपर वाला टर्मिनल जो है वो जीरो पे है तो हायर पोटेंशियल तो जीरो ही हुआ, हुआ नहीं. तो अब आप करंट क्या बोलते हैं, सो करंट वुड हैव बीन 0 minus of x and divided by resistance which is 6 which is 25 by 12 ampere. यही आंसर बताते हैं. देखो मैच क्या है नहीं? Yes. 0 आप कहीं पे भी चूज करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये मैंने बताया है कि लॉजिक है ये आपको याद नहीं क्या मैंने बताया था? लॉजिक ये था कि 0 आप कहीं पे भी चूज करो, 0 की चॉइस पे पोटेंशियल चेंज करेगा बट पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट का चेंज नहीं करता है. ये याद नहीं है आपको बोला था? हाँ? याद नहीं है आप लोगों को कि जीरो की चॉइस पे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं करता है? यस सर. यस सर. तो पोटेंशियल डिफरेंस जब चेंज नहीं करेगा तो करंट कैसे चेंज करेगा? बट एनीवे चलो ठीक है. बट मैं आप करता तो एक आसान तरीका जो था आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ वाला तरीका वो भी आप कर सकते थे. अगर आप इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ लेते तो हमको सिंस मिडिल ब्रांच का निकालना है तो मिडिल ब्रांच को कभी भी इक्विवेलेंट ईएमएफ में पार्टिसिपेट नहीं कराना, मिडिल ब्रांच को अलग रखेंगे और बाकी को हम कनेक्ट करेंगे. तो अगर इसका कनेक्शन करें एक बार रीकनेक्ट करें इसको एक बार देखो तो मिडिल ब्रांच में 6 एंड 20 है तो ऐसे दिखा रहे हैं. देखो इसको मिडिल ब्रांच में 6 एंड 20 दिखा देते हैं, 6 ओम्स एंड 20 वोल्ट, बैटरी का पोलैरिटी नीचे की तरफ है. ये 20 वोल्ट, ये 6 ओम्स एंड इसके क्रॉस आपको बाकी को कनेक्ट करना है, ठीक है? पहले लेफ्ट वाला बैटरी कनेक्ट करते हैं, लेफ्ट वाले ब्रांच का देखो लोअर पोटेंशियल टर्मिनल जो है वो ऊपर की तरफ है एंड 3 ओम्स है तो यहां पे ऐसे दिखा रहे हैं. दिस इज 10 वोल्ट 3 ओम्स एंड दूसरा है ऊपर की तरफ हायर पोटेंशियल है 6 ओम्स. देखो आपको सर्किट का कन्वर्जन समझ आया? यस सर. ठीक है. अब ये चेक करो, ये करंट सेंड करने की कोशिश कर रहा है इस तरफ और ये करंट सेंड करने की कोशिश कर रहा है इस तरफ तो इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालेंगे तो सबट्रैक्ट करके निकालेंगे, राइट? समझ आ रही है आपको? तो इस पार्ट का इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालेंगे, इस पार्ट का इक्विवेलेंट ईएमएफ. तो इक्विवेलेंट ईएमएफ आ रही है 10 बाई 6 बड़ा है या 10 बाई 3 बड़ा है? 10 बाई 3 बड़ा है तो ऑब्वियसली जो नीचे की तरफ हमने जो करंट जाता हुआ दिखा रखा है वही वाला सक्सीड करेगा. तो हम लिखेंगे 10 बाई 3 माइनस ऑफ 10 बाई 6 डिवाइडेड बाई 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 6 एंड देयरफॉर दिस बिकम्स, यहां से 10 बाई 6 बचेगा हमारे पास एंड यहां से 1 बाई हाफ मतलब 2 बचेगा सो ये हो गई 10 बाई 3 वोल्ट आ रही है. समझ आ रही है आपको? एंड आर इक्विवेलेंट इसकी कितनी है? 3 इन पैरेलल विद 6 मतलब 2 ओम्स है. तो अब आप इसका इक्विवेलेंट जब ड्रॉ करते, इसका इक्विवेलेंट जब सोचते हैं तो क्या सोचते हैं आप? आपके पास एक रेजिस्टेंस, एक बैटरी
एंड यहाँ पे इसके साथ सीरीज में एक और बैटरी कनेक्ट करना है. बैटरी का पोलैरिटी ध्यान रखेंगे, रैंडमली सब शूट नहीं करना, नहीं तो सब गलत गलत हो जाएगा. देखो तो मैंने जो रिप्लेस किया बैटरी का, सही पोलैरिटी प्लेस किया है. हाँ. और ये कितने का है, 10/3 volt का है. एंड रेजिस्टेंस कितने का है, 2 ohms का है. एंड ये है 6 ohms का एंड ये है 20 volt का. अब इस सिंगल लूप में कन्वर्ट कर लिया. सिंगल लूप हो गया तब तो काम आसान हो गया. हो गया ना आसान. करंट देखो इधर फ्लो कर रही है, दिखाई आपको. और ये करंट जो आएगी दैट विल बी ईएमएफ ऑफ लूप डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ लूप. ईएमएफ ऑफ लूप इज 20 - 10/3. 20 - 10/3 ना, राइट? यस सर. ये इधर और ये इधर, 20 - 10/3 सिंगल लूप में ये काम करेगा. 20 - 10/3 एंड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस व्हिच इज 6 + 2. So this becomes 20 × 360. 60 - 10 = 50. So 50/8 × 1/3. So this is 2 × 4. 25 by 12 ampere. देखो कोई confusion है तो पूछो. Clear है? Clear है? Yes sir. Yes sir. Yes sir. ठीक है. ओके. देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के मैंने आपको ज्यादा क्वेश्चंस कराए नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैंने तो मैंने आपको कराए थे ढेर सारे. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में सर्किट तो एक जैसे देते हैं, बस उसमें क्या होगा, सीरीज का फॉर्मूला और पैरेलल का फॉर्मूला उल्टा हो जाता है ना. हाँ. तो जो भी आपको ट्रिक्स, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको सिखा रखे हैं कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन में, सीरीज पैरेलल वाला, वो सारा टिप्स एंड ट्रिक्स आप यहाँ पे रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं. सारे कॉम्बिनेशन के रिजल्ट्स को यूज कर सकते हैं. तो इसलिए ये चीज का ध्यान रखना कि मैं यहाँ पे आपको करा नहीं रहा हूँ ज्यादा उसके एग्जाम्पल्स, जैसे फ्लिपिंग मेथड, सिमेट्री वाला कंडीशन, फिर जो क्यूबिकल नेटवर्क थे, वो सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बट उनके लिए अकॉर्डिंगली सीरीज एंड पैरेलल का फॉर्मूला उल्टा लगा के फिर आंसर निकाल लेना, ठीक है? तो मैं ये वो चीज नहीं करा रहा हूँ आपको, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं. थर्मल पावर. ओके, थर्मल पावर का मतलब क्या है, उसकी बात करते हैं. जैसे देखो कि आपको ये तो पता है कि चार्जेस जो हैं, जो कंडक्टिंग वायर के थ्रू फ्लो करते हैं, वो कंडक्टिंग वायर के थ्रू चार्जेस फ्लो कौन कराता है, उनको कौन फ्लो कराता है? इलेक्ट्रिक फील्ड. इतना सिंपल सा बात को इतना घुमा फिरा के पूछो तब फिर आप आंसर करते हैं. सिंपल सा हम क्वेश्चन पूछा कि ये जो करंट आ रहा है उसमें चार्जेस को मूव कौन करा रहा है, तो मूव कौन कराता है, फोर्स मूव कराएगा, कौन मूव करा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करा रहा है. इतनी उल्टी पुल्टी आंसर्स करते हैं आप. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है जो चार्जेस को मूव करा रहा है, तो उनको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, एक्सेलरेट कराता है. जब उसको एक्सेलरेट कराएगा तब तो उसको एनर्जी दे देता है, बट वो एनर्जी लगातार तो बढ़ता नहीं जाता है, कोलिजन होता है. लैटिस में जाके वो क्या करता है, टकराता है किसी नेबरिंग इलेक्ट्रॉन से, टकराता है या लैटिस में फिक्स आयंस के साथ टकराएगा, फिक्स स्ट्रक्चर्स के साथ टकराएगा. तो उस केस में जब वो टकराएगा तो कोलिजन में वो एनर्जी लूज करेगा, तो वो जो एनर्जी लूज करेगा तो वो हीट के फॉर्म में क्या होगा, डिसिपेट करेगा. तो यही चीज आपको फाइंड करनी है, किस रेट से हीट एनर्जी डिसिपेट कर रही है. जिस रेट से हीट एनर्जी डिसिपेट कर रही है उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे थर्मल पावर कहते हैं. क्या आपको बात समझ आई है? यस सर. थर्मल पावर इज बेसिकली रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है? ये कैसे फाइंड करेंगे, जैसे ये सोच के देखो आप कि मान लेते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस में हमने एक करंट दिखा रखा है. इस करंट को मैं dq/dt की तरह लिख रहा हूँ, ठीक है? dq/dt कहने का मतलब है कि अगर मैं ऐसे सोचूं कि इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ dq अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर गया, dq फ्लोज इन टाइम dt, ऐसा कह सकते हैं ना? Yes, कह सकते हैं, कह सकते हैं नहीं? Yes, तो अगर इसको इक्विवेलेंट सोचें तो ऐसा सोच सकते हैं ना कि जैसे यहाँ पे सोचो
लेफ्ट वाला एंड हायर पोटेंशियल पे है ना, जैसे ये टर्मिनल ए सोचे और ये वाला टर्मिनल बी सोचे, तो लेफ्ट वाला एंड हायर पोटेंशियल पे है और राइट वाला एंड लोअर पोटेंशियल पे है, तो इसको अगर इक्विवेलेंट ईएमएफ की तरह सोचे तो इसका ईएमएफ कितना होना चाहिए, आई इंटू आर, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। और इस बैटरी के थ्रू आप चार्ज फ्लो करते हुए दिखा रहे हो, आप बोल रहे हो कि इस बैटरी के थ्रू एक चार्ज फ्लो कर रही है डी क्यू चार्ज इन टाइम डी टी, राइट, यही बोल रहे हो? Yes, sir. तो देखो इस डी क्यू चार्ज का एनर्जी घटा या नहीं, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे मूव कर रहा है। Yes, sir. दिख रही है आपको? तो ये जो एनर्जी इसने लूज किया वही तो बेसिकली हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगा। तो dQ अमाउंट ऑफ चार्ज का एनर्जी का लॉस कितना हुआ, dQ इनटू IR, लिख सकते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, लिख सकते हैं, तो वही आपका हीट एनर्जी का डिसिपेशन हो जाएगा। सो dQ विल या dH लिख लें, सो हीट एनर्जी डिसिपेटेड dH इन टाइम dt, इन टाइम dt हीट एनर्जी डिसिपेटेड, इसको dH लिख रहे हैं, एंड दैट dH विल बी द लॉस इन एनर्जी ऑफ द चार्ज, लॉस इन एनर्जी ऑफ चार्ज dQ, एंड दैट विल बी इक्वल टू चार्ज dQ मल्टीप्लाइड विद द इक्विवेलेंट ईएमएफ, एंड दैट विल बी dQ इनटू IR लिख लेंगे। समझ आई है? सो देयरफॉर अब अगर थर्मल पावर लिखे, थर्मल पावर वो क्या था, रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट एनर्जी, तो इसको पी को कैसे लिखते हैं, dH by dt लिखते, और dH by dt अगर लिखा आपने तो क्या लिखोगे आप, देखो तो dQ by dt into IR, ये लिखोगे ना, लिखोगे और dQ by dt खुद क्या है, I है क्या, yes, so therefore पावर की इक्वेशन क्या हो गई है, पावर की इक्वेशन क्या हो गई है, I square into R हो गई है, got it, ठीक है। अगर इसी को अगर पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो करंट को हम पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस लिखते हैं ना, लिखते हैं, यस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, जिसको हमने इक्विवेलेंट ईएमएफ से रिप्लेस किया था, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये आपका आईआर ही है, ठीक है ना, समझ आ रही है, यस सर, यस सर, एंड इनटू आर कर लेंगे। तो इसी चीज को देखो, जो पावर के लिए इक्वेशन हमने लिखा है आई स्क्वायर आर, इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइड बाय आर भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाय आर नहीं याद रखो, इसको डेल्टा वी का स्क्वायर बाय आर की तरह याद रखो, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस लेना है, पोटेंशियल नहीं लेना है, ठीक है, जनरली वी स्क्वायर बाय आर की तरह नहीं, डेल्टा वी का स्क्वायर बाय आर की तरह याद रखिए, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर करना है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कर लेना है, समझ आई, यस सर, इसी को एक और तरीके से भी रिप्लेस कर सकते हो आप, एक मिनट रुकिए, इसी को एक्सपेंड कर लेते हैं, एक और तरीके से इसको लिख सकते हो v into i, हाँ, क्योंकि आप v into i लिख सकते हैं, क्योंकि ir तो डेल्टा v है, है ही नहीं है, हाँ सर, यस सर, तो डेल्टा v एंड into i भी लिख सकते हो, इसी चीज को आप वैसे भी लिख सकते हो, ये जो डेल्टा v into i जो आप इक्वेशन लिख रहे हो ना, ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ बैटरी के, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बैटरी के लिए यूज कर सकते हैं, आप किसी भी अप्लायंस के लिए यूज कर सकते हो, कोई भी डिवाइस है, कोई भी डिवाइस, चाहे वो कैपेसिटर हो, चाहे वो रेजिस्टर हो, कोई भी डिवाइस हो, अगर उस डिवाइस के अक्रॉस का आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है और उस डिवाइस में करंट कितनी है उस ब्रांच में आपको ये भी पता है, तो उस केस में कितना पावर वो सप्लाई कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है ये भी आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को मल्टीप्लाई करके। आपको बताता हूँ आप कैसे इसको सोच रहे हैं, जैसे इमेजिन करो कि अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटर दिखाऊं, ठीक है, ये कैपेसिटर है एंड मान लो कि यहाँ पे प्लस क्यू, ऐसे कर लेते हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज दिखा रखा है, ये कैपेसिटर सी का है और इसमें मान लो हमने करंट ऐसा दिखा रखा है, अगर करंट ऐसा दिखा है, ये चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, अगर ये चार्ज हो रहा है इसका मतलब ये बैटरी यू नो पावर अब्सॉर्ब कर रहा है, तभी तो फील्ड उसकी बढ़ती जाएगी, चार्ज बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ेगा, तो ये पावर अब्सॉर्ब कर रही है, तो अगर मैं बोलूं इसका पावर अब्सॉर्ब कितना होगा, पावर अब्सॉर्ब कितनी है इस कैपेसिटर की, तो पावर अब्सॉर्ब कैसे निकालते हैं, टर्मिनल वोल्टेज से करंट को मल्टीप्लाई करके, टर्मिनल वोल्टेज कितना है इसका, Q by C, N into I कर लेंगे, समझ आया, यस सर, ठीक है, अगर उल्टा करोगे आप Q लेना पड़ेगा, माइनस Q प्लस Q, यहाँ पे मान लो करंट इधर आ रही है और ये प्लस Q और ये माइनस Q है, इस बार ये चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है,
तो इस बार ये पावर अब्सॉर्ब नहीं कर रहा है, पावर सप्लाई कर रहा है, पावर सप्लाइड बोलेंगे. एंड पावर सप्लाइड अगर लिखोगे तो फिर से वैसे क्यू बाई सी इंटू आई कर लोगे. हाँ अगर इसमें पूछते, इस सेकंड वाले केस में अगर पूछते पावर अब्सॉर्ब कितनी है तो माइनस ऑफ क्यू बाई सी इंटू आई करते. समझ आ रही है आप सभी को? यस सर. ठीक है. Okay. एक और चीज है, जैसे ये सोच के देखो, जैसे पावर अगर आपको पता है आई स्क्वायर आ रहा है तो हीट एनर्जी टोटल डिसिपेट कितनी हुई है वो कैसे निकालोगे? एक टाइम इंटरवल डेल्टा टी दे दिया और पूछा कि कितनी हीट एनर्जी डिसिपेट हो रही है, कैसे निकालोगे? आई स्क्वायर आर इंटू डेल्टा टी इंटू टी, यही कर लोगे. बट ये तो तभी करेंगे ना जब करंट कॉन्स्टेंट है. अगर करंट वेरिएबल हुई तो क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. ठीक है, तो करंट अगर वेरिएबल है तो आपको इंटीग्रेट करके ही टोटल हीट एनर्जी डिसिपेटेड निकालनी पड़ेगी. ठीक है, उसको मेंशन कर दे रहा हूं यहाँ पे ताकि ध्यान रहे आपको. ठीक है, इफ करंट इज अ वेरिएबल देन टू फाइंड टोटल हीट एनर्जी डिसिपेटेड in time t1 to t2 will be power की value को हमने लिखा dh/dt और dh/dt को लिखा I square r. So h निकालने के लिए integration of dh करना पड़ेगा and ये हो जाएगा integration of I square r into dt integrated from t1 to t2 हो जाएगा. समझाइए. ठीक है. हाँ अगर करंट कांस्टेंट हुई तो ये आई स्क्वायर आर पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा ना, हो गई नहीं होगा. इफ करंट इज अ कांस्टेंट देन ओनली, तभी जाके ये लिख सकते हैं आप. ठीक है, एच की वैल्यू विल बी आई स्क्वायर आर इनटू डेल्टा टी हो जाएगा. ठीक है, अगर करंट कांस्टेंट नहीं है तो नहीं लिख सकते ये. ओके, एक और चीज देखो, पावर की वैल्यू आई स्क्वायर आर भी लिख रहे हैं हम, डेल्टा वी का स्क्वायर बाय आर भी लिख रहे हैं. तो एक जगह पे देखोगे तो ये पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रही है और दूसरे जगह पे देखोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रही है ना. यस सर. तो कौन सा यूज करना है ये किस पे डिपेंड करेगा? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो मर्जी करे वो चूज करो. अगर करंट पता है तो आई स्क्वायर आर यूज करो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो डेल्टा वी का स्क्वायर बाय आर यूज करो. बट मेरी तरफ से एक ही चीज मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको कंपैरिजन ऑफ यू नो पावर करना है, जैसे कौन सा ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है वैसे कंपेयर करना है, तो कंपैरिजन जनरली सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए देते हैं. तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो सबके लिए करंट क्या होगा? सेम होगा ना. यस सर. अगर सबके लिए करंट सेम है, इसका मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो क्या होगा? ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा. ज्यादा पावर, राइट. वही चीज अगर पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है तो सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आएगा, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो पावर क्या होगा? कम कंज्यूम करेगा. समझ आ रही है? तो कंपैरिजन अगर करनी है आपको तो वैसे कंपैरिजन करेंगे. ठीक है, फाइंड तो आप कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये चीज का ध्यान रखनी है कि पी की वैल्यू विल बी प्रोपोर्शनल टू आर फॉर रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पी की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर फॉर रेजिस्टर्स in parallel. Clear hai? Yes sir. Yes sir. Okay. एक और चीज का ध्यान रखना, जैसे ये चीज ऑलरेडी बताया पर फिर भी एक बार लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे. बोला है बट लिखा नहीं है मैंने. बैटरी के दो केसेस आपको ऐसे देंगे. ये मान लो EMF E का है, एक केस में करंट इधर दिखा रहे हैं, एक केस में करंट इधर दिखा रहे हैं, उल्टा. फर्स्ट केस में वर्क इज बीइंग डन बाय बैटरी, राइट, है ना? यस सर. तो पावर सप्लाई कर रही है, पावर सप्लाई इज EMF इनटू करंट. सेकंड केस में पावर अब्सॉर्ब्ड है, अब्सॉर्ब्ड, एंड ये होगा E इनटू I. अगर इसमें पूछे पावर सप्लाइड कितना है तो क्या बोलेंगे आप? माइनस. ठीक है, यहाँ पे मैंने ये ज़ूम किया है कि बैटरी हमारा आइडियल है. अगर बैटरी आइडियल नहीं है, अगर प्रैक्टिकल बैटरी होगा तो फिर उस केस में क्या करेंगे आप? उसका टर्मिनल वोल्टेज के साथ पावर सप्लाई निकालना पड़ेगा. मतलब अगर मान लो कि इसकी यही चीज अगर मान लो ऐसा दे रखा है, ये बैटरी है
और इसकी EMF E resistance आ रहा है और यहाँ पे करंट I फ्लो कर रही है. तो इस बार अगर पावर सप्लाइड आपको निकालनी है तो आपको टर्मिनल वोल्टेज से करंट को मल्टीप्लाई करनी है. टर्मिनल वोल्टेज से करंट को मल्टीप्लाई करेंगे. टर्मिनल वोल्टेज कितना है? E माइनस आई आर एंड इसके साथ I मल्टीप्लाई होगा. समझ आ रही है? क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो भी आगे बढ़ते हैं. पावर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस. मार्केट में आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदोगे, चाहे वो बल्ब हो, फ्रिज हो, कुछ भी हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदोगे तो उसमें देखोगे दो चीजें मार्क्ड होती है. एक वोल्टेज की वैल्यू मार्क्ड होती है और एक पावर की वैल्यू मार्क्ड होती है. जैसे अगर मान लो एक बल्ब ही दिखा रहे हैं, जैसे लेट अस से कि एक बल्ब है, बल्ब का इलेक्ट्रिकल सिंबल आपका कुछ ऐसा होगा, ये बल्ब है और ये बल्ब के लिए मान लो कि मैंने वोल्टेज रेट करके दे रखा है वी आर है एंड पावर रेट करके दे रखा है पी आर है. जैसे मान लो कि ऐसा दिखता है आपको, जनरली आप देखोगे तो आपको याद आ जाएगा 220 वोल्ट एंड 100 वाट. आपको याद आ रहा है ऐसा कुछ रेटिंग देखते हैं? कभी बल्ब में देखा है? यस सर. है ना? तो यही, इनको हम रेटेड वोल्टेजेस कहते हैं. रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड पावर. वी आर को कह रहे हैं, वी आर इज रेटेड वोल्टेज. मतलब क्या है बता रहा हूँ, पहले लिख दे रहा हूँ नॉमिनल. रेटेड वोल्टेज है एंड पी आर इज रेटेड पावर. अब इससे मतलब क्या निकलता है? मतलब ये निकलता है कि अगर आपने इस अप्लायंस को रेटेड वोल्टेज पे ऑपरेट किया, मतलब इसको पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप वी आर का दे रहे हो, तब जो ये पावर कंज्यूम करेगा वो पी आर होगा. क्या आपको बात समझ आई क्या बोला मैंने? इन डेटा से हमें ये पता चलता है, इफ The appliance is given a potential difference of VR, then it will consume a power of PR. समझ आ रही है? अब जब भी आप इसको वोल्टेज देंगे तो कभी भी रेटेड वोल्टेज से ज्यादा नहीं देंगे. रेटेड वोल्टेज से ज्यादा कभी भी उसको वोल्टेज नहीं सप्लाई करनी है. और अगर आपको रेटेड वोल्टेज से ज्यादा अगर वोल्टेज सप्लाई नहीं करनी है, क्यों? क्योंकि अगर आप ज्यादा करंट दोगे तो उससे क्या होगा, एक्सेस हीटिंग जनरेट होगी उस वायर्स के अंदर. और अगर एक्सेस हीटिंग जनरेट होगी तो उसका जो रेडिएशन का रेट होगा, जैसे देखो कोई भी चीज का अगर मैं बोल रहा हूँ, जैसे मान लो कि एक वायर ले लेते हैं, उस वायर में आप करंट फ्लो करो, करंट फ्लो कराओगे तो फिर क्या होगा, उसमें थर्मल एनर्जी जनरेट होगी कोलिजन के वजह से. ठीक है, थर्मल एनर्जी जनरेट हुई. अब ये थर्मल एनर्जी की वजह से उसकी टेम्परेचर बढ़ेगी. टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके लिए थर्मल एमिशन भी बढ़ेगा ना? बढ़ेगा नहीं? हाँ, थर्मल एमिशन. तो रेडिएशन से जो पावर होगा वो भी वो बाहर निकालेगा. तो एक है उसके अंदर हीट जनरेट कर रहे हैं आप करंट फ्लो करा के, और दूसरा है टेम्परेचर की वजह से वो थर्मल एमिशन भी कर रहा है. अगर इमेजिन करो कि अगर आप हीट जो जनरेट कर रहे हो कोलिजन की वजह से, मतलब जो करंट पैसेज की वजह से, वो ज्यादा रेट से कर रहे हो कंपैरिजन टू द एमिशन का रेट, तो उससे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा या नहीं? होगा नहीं? जिस रेट से वो एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, अगर उसके कम रेट से वो रिलीज कर रहा है तो नेट तो अब्सॉर्प्शन ही हुआ ना. और अगर नेट अब्सॉर्प्शन हो रही है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा. और अगर टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो उस केस में क्या होगा, कभी ना कभी तो वायर मेल्ट भी कर जाएगा ना. हर एक वायर की कुछ ना कुछ तो मेल्टिंग पॉइंट होगी, तो मेल्ट कर जाएगा. और अगर मेल्ट कर गया तो उसके इसमें क्या होगा, इसको बोलते हैं कि तुम्हारा जो वायर है वो क्या हो गया, फ्यूज कर गया है. या फिर बोलते हैं कि नो कि तुम्हारा सर्किट जो है वो उड़ गया बोल देते हैं. यू नो, उड़ जाने का मतलब लिटरली ये नहीं कि पंख लग जाना, बेसिकली वो वायर जल जाएगा, उसी को कहते हैं. तो कॉइल बर्न कर जाएगा, या फिर आप बोलते हैं कि वायर फ्यूज कर गया है. समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं? Yes, sir. तो आप कभी भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस रेटेड वोल्टेज से ज्यादा नहीं अप्लाई करेंगे. अगर रेटेड वोल्टेज से ज्यादा अगर वोल्टेज सप्लाई नहीं करेंगे तो पावर कंज्यूम क्या कभी भी रेटेड पावर से ज्यादा हो सकता है? नहीं, नहीं. समझ आ रही है? तो पावर कंज्यूम भी मैक्सिमम जो है वो पी आर है. वोल्टेज भी जो आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं वो आपका वी आर ही है. समझ आ रही है? ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस to be applied for safe operation of appliance. Safe operation of appliance is VR. ठीक है? And hence maximum power consumed, maximum
power consumed by appliance is PR. ठीक है, सो आप जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो मैक्सिमम आप वीआर का अप्लाई कर सकते हैं, तब आपका पीआर का पावर कंज्यूम करेगा. तो इन जनरल अगर मैं बोलूं तो जो पावर कंज्यूम होगा वो पीआर से कम ही होगा ना. एक्चुअल अगर मैं बोलूं, एक्चुअल जो पावर कंज्यूम होगा वो लेस देन और इक्वल टू पीआर होगा ही नहीं होगा. इक्वल टू मतलब इक्वल टू तब होगा जब आपने वीआर का अप्लाई किया, अदरवाइज हमेशा कम होगा. समझ आई? तो एक्चुअल पावर कंज्यूम कैसे निकालोगे? एक्चुअल पावर कंज्यूम निकालने के लिए आपको एक्चुअल करंट चाहिए और एक्चुअल करंट का स्क्वायर इनटू आर कर सकते हैं. तो पहले आपको रेजिस्टेंस आपको इस अप्लायंस का निकालना पड़ेगा. तो रेजिस्टेंस ऑफ अप्लायंस कैसे निकालोगे? देखो अगर मैं ऐसे लिखूं, सोचो अगर पी आर की वैल्यू की बात करें तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं वी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ अप्लायंस? कह सकते हैं क्या? यस सर. तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ अप्लायंस की अगर बात करें, रेजिस्टेंस ऑफ अप्लायंस, तो ये कितना आ जाएगा? वी आर का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय पी आर आ जाएगा. आएगा? ठीक है. yes, sir. तो यहां से आपको resistance of appliance तुरंत मिल जाएगी. इस result से आपको resistance of appliance तुरंत मिल जानी है. अगर आप एक चीज ध्यान देखोगे तो resistance of appliance जो है वो inversely proportional to power rating है. दिख रही है? yes, sir. आपको अगर मैं जैसे अलग अलग बल्ब दे दें, जैसे मान लेते हैं कि कोई आपको देता है एक 60 वॉट का बल्ब और एक 100 वॉट का बल्ब दे देता है, ठीक है. तो उस केस में अगर आपको सिर्फ वोल्टेज प्रोवाइड कर रखा है, वोल्टेज रेटिंग नहीं प्रोवाइड किया है, वीआर नहीं प्रोवाइड किया, सिर्फ पीआर प्रोवाइड कर दिया है, तो आपको ये मान के चलना है कि वीआर दोनों का सेम है. क्यों? क्योंकि आप अगर हमारे हाउस होल्ड की बात करते हैं तो हमारे हाउस होल्ड में जितने भी अप्लायंस होती है ये सारे पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, सारे पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं और सबको जो वोल्टेज मिलता है वो 220 वोल्ट का ही मिलता है. तो ये एक अनसेट अजम्पशन है कि आपको अगर वोल्टेज रेटिंग नहीं दे रखी है तो आप मान के चलिए कि सबकी वोल्टेज रेटिंग क्या है, आपकी सेम है. ठीक है. घर में ये कैसे पता चलता है? तुम सोचो कोई भी एक अप्लायंस अगर घर में खराब होता है तो क्या दूसरी चीजें नहीं चलती है? हाँ. जैसे बल्ब फ्यूज हो गया, बल्ब फ्यूज हो गया तो क्या ट्यूबलाइट नहीं चलता है? जलता है तो है. फैन खराब हो गया तो क्या बल्ब नहीं चलेगा? ऐसा तो नहीं होता है. समझ आ रही है? तो इसका मतलब यह है कि जितने भी अप्लायंस होते हैं घर में वो सारे पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं और सबको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो सबको 220 वोल्ट का ही मिलता है. तो इसका मतलब ये निकलता है कि वोल्टेज रेटिंग सबकी आपको सेम मान के चलनी है. तो अगर पावर रेटिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस आ रही है, इसका मतलब 60 वाट का बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू 100 वाट का बल्ब. समझ आ रही है? 100 गेटिंग इट? यस सर. ठीक है. तो ये चीज का ध्यान रखना यहाँ पे जो मैंने बोला है, इफ वोल्टेज रेटिंग इज नॉट गिवन, इफ वीआर इज नॉट गिवन, देन वी अज्यूम देम to be identical. इसी basis पे मैंने inversely proportional to PR कह रखा है, ठीक है? And therefore अब अगर आपको actual power consumption निकालनी है, actual power consumption, तो क्या करोगे आप? Actual जो current flow कर रही है, actual current, उसका square करो and resistance of appliance कर लो, या फिर actual जो potential difference है उस appliance के across, उसको निकालो, उसका square करो and divide by resistance of appliance कर लो. समझ आ रही है आपको? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. एक और चीज से करो, अगर मैक्सिमम सेफ करंट अगर पूछे आपसे, नाउ मैक्सिमम सेफ करंट अगर आपसे पूछ रहे कितनी आएगी तो कैसे निकालोगे आप? आप याद करो कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको क्या बोला था, वो वीआर होना चाहिए. बोला था आपने? यस सर. क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज मैक्सिमम करंट into resistance of appliance? Yes. अब ये सोचो, इसको VR लिखा is equal to I max and into resistance of appliance. Resistance of appliance के लिए क्या लिख रहे थे हम, याद है? ये चेक करो अभी, resistance of appliance क्या लिखा था? VR का square by PR. Yes sir. VR का square divided by PR लिख लिया. यहाँ से देखो VR देखो cancel out हो जाएगा. And अगर आप maximum current देखोगे तो PR डिवाइडेड बाई वी आर आ रही है. दिख रही है? मतलब जो रेटेड पावर है, रेटेड पावर से आप रेटेड वोल्टेज को डिवाइड कर दो, इससे आपको मैक्सिमम सेफ करंट भी मिल जाएगा. ठीक है? यस सर. यस सर. ठीक है, चलो अभी आपको इसके एप्लीकेशन छोटे छोटे दिखा देता हूँ. इक्वेशन देखो यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं
ये मान लो 220 वोल्ट का है एंड ये मान लो 60 वॉट एंड 220 वोल्ट रेटेड है एंड ये 100 वॉट 220 वोल्ट रेटेड है एंड इसमें दो चीजें पूछी है. पहला चीज ये पूछा है विच बल्ब ग्लोज ब्राइटर, ज्यादा ब्राइट कौन होगा. एंड दूसरा पी एक्चुअल, मतलब एक्चुअल पावर कंज्यूम बाय 60 वॉट बल्ब कितना आएगा. ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है. देखो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ना. यस सर. इसका मतलब करंट सेम होगा. हाँ. इसका मतलब पावर जो वो कंज्यूम करेगा, पावर जो कंज्यूम करेगा उसको हम आई स्क्वायर आर करके निकाल सकते हैं. इसका मतलब जो पावर आएगी, एक्चुअल जो पावर आएगी वो प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आएगी. एंड रेजिस्टेंस तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटिंग होती है. इसका मतलब 60 वॉट का जो पावर कंज्यूम्ड है वो कम है, मतलब जो पावर रेटेड है वो कम है. इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है और रेजिस्टेंस ज्यादा है मतलब उसका एक्चुअल पावर कंजम्पशन क्या होगा, ज्यादा होगा ना, है ना. इसका मतलब पावर कंज्यूम बाय 60 वॉट बल्ब will be greater than power consumed by 100 watt bulb. सही है? 100 watt bulb. हाँ सर. और जो ज़्यादा power consume कर रहा है वही तो ज़्यादा brightly glow करेगा ना? Yes sir. इसका मतलब 60 watt glows brighter. समझ आई आपको? Yes sir. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि 60 watt देख के उसको कम कर देंगे. 60 watt है इसका मतलब क्या है, उसका resistance ज़्यादा है और current दोनों में same है तो वो क्या होगा, ज़्यादा brightly glow करेगा. Got it? Yes sir. ये पहला पार्ट हो गया. अभी दूसरे पार्ट पे आते हैं. उसने एक्चुअल पावर कंज्यूम निकालने बोला है. अब एक्चुअल पावर कंज्यूम निकालने का भी बहुत लोगों का बेवकूफ का तरीका होता है. बेवकूफ का तरीका क्या है वो आपको बताता हूँ. जैसे आपको अगर सोचो कि रेजिस्टेंस की अगर बात करें, रेजिस्टेंस ऑफ 60 वॉट बल्ब अगर लिखनी है तो 220 का स्क्वायर डिवाइड बाई 60 करोगे, राइट. अगर सोचो आपको रेजिस्टेंस ऑफ 60 वॉट बल्ब बोले तो क्या करोगे आप, 220 का स्क्वायर डिवाइड बाई 60, यही तो लिखोगे ना. नहीं सर. नहीं लिखोगे? नहीं, क्योंकि सर सीरीज में तो दोनों का वोल्टेज तो अलग अलग होगा ना. वोल्टेज की भी बात ही कहाँ कर रहे हैं, अभी तो रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं. ये तो पावर रेटेड से निकाल रहे हैं. ओहो, ये लड़की क्या करे, अभी तो रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं. रेजिस्टेंस तो रेटेड वोल्टेज से ही निकालते हैं ना. हाँ सर, ठीक है. ठीक है, अब ये वैल्यू देखो तो कैलकुलेशन में आसान दिख रहा है क्या. इज इट एन इजी कैलकुलेशन? नहीं. तो इसलिए आपको ये नहीं करना है कैलकुलेशन, आपको नहीं करना है ये. व्हाट यू सपोज टू डू इज आप बस इतना करो कि रेजिस्टेंस का रेशियो चेक कर लो कितना है. आर 60 इज टू आर 100 अगर लिखें तो क्या आप इसको ये लिख सकते थे 100 बाय 60 होगा, मतलब 5/3. तो क्यों ना ऐसा चूज कर ले, लेट्स से आर 60 जो है दैट इज 5R एंड आर 100 जो है दैट इज 3R. ऐसा लिख सकते हैं ना. लिख सकते हैं. तो आर इक्विवेलेंट कितनी हो गई है, आर इक्विवेलेंट कितनी हो गई, 8R. Yes, sir. Yes, sir. तो करंट कितनी हो गई है, 220 डिवाइड बाय 8R. 8R प्लस. तो पावर कंज्यूम बाय 60 वॉट बल्ब एक्चुअली जो आएगी, तो करंट जो एक्चुअली आ गई उसकी स्क्वायर एंड डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 60, यही तो करोगे. यस सर. यस यस सर. तो ये हो गई 220 डिवाइडेड बाय 8R का स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस ऑफ 60R कितना माना था हमने, 60 वॉट का, और 5R माना था. 5R. यस 5R सर. देखो कितनी आ रही है, 220 का 220 डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको 5R कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं और इसको 5R बाय 64 एंड इनटू 25 रख लेते हैं. देखो तो ठीक लिखा मैंने. यस सर. ये क्यों किया मैंने, क्योंकि 220 का स्क्वायर क्या लिख रहा हूं मैं, एक मिनट. So 25. हाँ हाँ, नहीं ठीक है ठीक है, अभी चेक करो, ये चेक करो, ये क्या एक्चुअल पावर कंजम्पशन ऑफ 60 वॉट बल्ब है, है ही नहीं है. यस. ये देखो, दिस इज पी एक्चुअल, नहीं पी एक्चुअल नहीं, मतलब ये सॉरी पी रेटेड है, सॉरी पी रेटेड. पी रेटेड समझ आ रही है आपको. यस. और ये हो गई आपकी कितनी, 100 है, सॉरी 60 वॉट, 60 है, तो इसको लिखेंगे 60 इनटू 25 बाय 64, हो गया. देखो कैलकुलेशन आसान. तो आपको 220 का स्क्वायर वाला टर्म को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, हमने ये यूज किया. देखो यहाँ पे ये 220 बाय ये जो हमने कहा गया एक्चुअल पावर कंजम्पशन, अगर आप निकालते एक्चुअल पावर कंजम्पशन
तो क्या करते हैं एक्चुअल पावर कंजम्पशन या रेटेड पावर निकालने के लिए, रेटेड के लिए क्या करते हैं, रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर एंड डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, यही तो करते हैं ना, करते नहीं करते? और रेजिस्टेंस उसका कितना माना था हमने, 5 आर ही तो माना था ना? यस सर। देखो वही तो आ रही है, 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 आर, दिख रहा है आपको? दिख रही है? तो यहाँ पे 5 आर से आपने डिवाइड किया है, तो यहाँ 25 आर स्क्वायर नहीं होगा। आर स्क्वायर क्यों होगा? तो क्योंकि 5 आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो पहले से उसके पास है, मैंने तो 8 को बस रिप्लेस किया ना 5 से, मैंने आर को रिप्लेस किया क्या? ठीक है, क्लियर है सबको? यस। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फिर क्लास खत्म करते हैं आज के लिए। ये मान लेते हैं B1 है, B2 है, ये B3 है, ये स्विच ऐसा है, उसने क्या रखा है, ऑल बल्ब्स आर आइडेंटिकल, और ये पूछ रखा है उन्होंने फाइंड रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय B2 बिफोर and after closing switch, before and after closing switch, कैसे करें? पहले switch close करने के पहले की बात करते हैं। ये अगर voltage V का है तो यहाँ पे current जो आएगी वो V by R की आएगी, V by 2 R की आएगी, आएगी ना, क्योंकि दो ही bulb आएंगे, right? तो individually जो इस दोनों के cross potential difference आएगा वो V by 2 का ही आएगा ना, आएगा नहीं आएगा? Yes, sir. तो पहले का तो आपको पता चल गया, अब सेकंड वाले केस की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया मतलब कि आपका काम हो गया, अब सेकंड वाले केस की बात करेंगे। तो इसको हटा देते हैं। अब हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया, स्विच को क्लोज करें, स्विच को क्लोज करोगे तो अब B2 और B3 पैरेलल में हो गया, मतलब R by 2 एंड B1 के साथ सीरीज, मतलब 3R by 2, मतलब ये जो करंट होगी that will be V divided by 3R by 2, यही है ना? होगा? इसका मतलब ये हो गया 2V by 3R, सही है ना? होगा? और ये करंट दोनों ब्रांच में इक्वली डिवाइड हो जाएगा ना? होगा? हाँ सर। इसका मतलब ये I by 2 इधर गया और I by 2 इधर भी चला गया, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस देखो ये आ रही है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या ये V by 3 R आ रही है? आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो पहले का पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, V by 2 का है, एंड बाद का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V by 3 का है, तो पावर इनिशियली बाय पावर फाइनली, V square by R ही तो करोगे ना, राइट? अच्छा ये सॉरी ये तो V by 3 R नहीं होगा, R नहीं होगा, V by 3 होगा, पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं ना, V by 3 होगा, तो पावर इनिशियली बाय पावर फाइनली लिखेंगे, तो इनिशियली के लिए लिखेंगे आप V by 2 का स्क्वायर एंड बाद में लिखेंगे तो V by 3 का स्क्वायर, सो दिस बिकम्स 9 by 4 हो जाएगा। हाँ महिमा आप कुछ पूछ रहे हैं शायद, बोलिए। नहीं सर वही R के लिए बोल रहे थे। ठीक है ठीक है, समझ आ गई सभी को? अगर बल्ब B1 का पूछते तो आंसर क्या होता? बल्ब B1 का पहले का पोटेंशियल डिफरेंस V by 2 का है एंड बाद में देखो 2V by 3 का है, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली फिर उसका स्क्वायर करके फिर निकाल लेते, ठीक है? यस सर। यस सर।